गुड इवनिंग डियर स्टूडेंट्स, आज डिस्कस करेंगे इसेंशियल्स ऑफ इंडिकेटिंग इंस्ट्रूमेंट। इंडिकेटिंग इंस्ट्रूमेंट क्या होते हैं और उनको बनाने के लिए क्या आवश्यक होता है। आज के पहले के एक वीडियो में हमने बताया था कि इंस्ट्रूमेंट जो मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट होते हैं कितने प्रकार के होते हैं, मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल और इलेक्ट्रॉनिक। इलेक्ट्रिकल इंस्ट्रूमेंट भी हमने बताया था दो प्रकार के होते हैं, एब्सोल्यूट और सेकेंडरी। सेकेंडरी इंस्ट्रूमेंट भी हमने बताया था दो प्रकार के होते हैं, एनालॉग इंस्ट्रूमेंट और डिजिटल इंस्ट्रूमेंट। एनालॉग इंस्ट्रूमेंट भी हमने बताया था दो प्रकार के होते हैं, डिफ्लेक्टिंग इंस्ट्रूमेंट और नल डिफ्लेक्शन टाइप। तो ये यहाँ तक हम डिस्कस कर चुके हैं, वहाँ उसी वीडियो में डिस्कस किया था, ये आज डिस्कस करेंगे इसके आगे। डिफ्लेक्टिंग इंस्ट्रूमेंट भी तीन प्रकार के होते हैं, इंडिकेटिंग टाइप, इंटीग्रेटिंग टाइप और रिकॉर्डिंग टाइप। तो इनके बारे में आज बात करेंगे। इलेक्ट्रिकल मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट्स हमने बताया अभी कि डिफ्लेक्टिंग टाइप जो इंस्ट्रूमेंट होते हैं वो कितने प्रकार के होते हैं, दो प्रकार के, इंडिकेटिंग टाइप और इंटीग्रेटिंग टाइप और रिकॉर्डिंग टाइप, तीन प्रकार के होते हैं। तो ये जो तीन प्रकार हैं इनके बारे में जानते हैं। इंडिकेटिंग टाइप क्या है, ये इंस्ट्रूमेंट जो आप यूज़ करते हैं, वोल्ट मीटर, एमीटर, वाट मीटर, ये सब इंडिकेटिंग टाइप इंस्ट्रूमेंट हैं। फ्रिक्वेंसी मीटर, पावर फैक्टर मीटर, ये सभी इंडिकेटिंग टाइप इंस्ट्रूमेंट होते हैं। तो इंडिकेटिंग टाइप इंस्ट्रूमेंट क्या होते हैं, इंडिकेटिंग टाइप इंस्ट्रूमेंट में एक होता है स्केल या डिस्प्ले होता है और एक होता है पॉइंटर। तो पॉइंटर क्या करता है, एक स्केल के ऊपर मूव करता है। तो मूव करता है तो ये पॉइंटर जहाँ पे रुकता है तो ये इंडिकेट करता है वैल्यू को, इट इंडिकेट्स द वैल्यू, इंडिकेट्स द वैल्यू, वैल्यू को इंडिकेट कर देता है तुरंत, इमीडिएटली। और इस वैल्यू को रीड करने का जो जिम्मेदारी है ये किसका होता है जिम्मेदारी, ये होता है ऑब्जर्वर की जिम्मेदारी होती है, इट इज़ द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द ऑब्जर्वर टू रीड दैट वैल्यू। तो इसलिए इनको कहते हैं इंडिकेटिंग टाइप, ये इंडिकेट करते हैं, इशारा करते हैं स्केल के ऊपर एक पॉइंटर के माध्यम से, और जो पॉइंटर का जहाँ भी पॉइंटर रुकता है ये उसी मान को इंडिकेट करते हैं, इशारा करते हैं, और वो इशारा ऑब्जर्वर रीड करता है। और ये जब तक ये सप्लाई रहेगी इंडिकेट करेगा, जैसे ही सप्लाई हटा दी जाएगी इंडिकेट करना बंद कर देगा। तो ये इंडिकेटिंग टाइप इंस्ट्रूमेंट बहुत ज़्यादा प्रचलन में है, हम लोग यूज़ करते हैं बहुत ज़्यादा। तो इसमें स्केल होता है, इसमें एक मूविंग सिस्टम होता है जो अभी आगे डिस्कस करेंगे, वो मूव करता है, उसी के साथ में पॉइंटर लगा रहता है। तो ये पॉइंटर ये है, ये इस स्केल पे मूव करता है, स्केल स्थिर रहता है, पॉइंटर मूवेबल होता है, इट इज़ मूवेबल, ये मूव करता है और मूव करके जहाँ भी रुकेगा वो वैल्यू को इंडिकेट करेगा। तो इंडिकेटिंग टाइप जो है इंस्ट्रूमेंट के एग्जाम्पल हम बता चुके हैं, एमीटर, वोल्ट मीटर, वाट मीटर, फ्रिक्वेंसी मीटर, पावर फैक्टर मीटर, ये सब जो है इंडिकेटिंग टाइप इंस्ट्रूमेंट के एग्जाम्पल है। दूसरे होते हैं इंटीग्रेटिंग टाइप इंस्ट्रूमेंट। इंटीग्रेटिंग टाइप इंस्ट्रूमेंट का जो सीधा एग्जाम्पल है वो है एनर्जी मीटर, जो आपके घरों में यूज होता है, ऊर्जा नापते हैं इससे, ये किलोवाट आवर मीटर बोल सकते हैं इसको, किलोवाट आवर मीटर, क्योंकि ये जो नापता है किलोवाट आवर नापता है, विद्युत ऊर्जा की इकाई होती है kWh, इसी को हम लोग यूनिट बोलते हैं, एक यूनिट 1 kWh, 1 kWh = 1 यूनिट होता है। तो ये इंटीग्रेटिंग टाइप इंस्ट्रूमेंट होता है। तो इंटीग्रेटिंग टाइप इंस्ट्रूमेंट क्या करते हैं, ये इंटीग्रेट करते हैं, इंटीग्रेट्स, दे इंटीग्रेट्स द वैल्यू, सम करते हैं किसी राशि का। जैसे कि एनर्जी मीटर क्या करता है, इंटीग्रेट करता है, किसको इंटीग्रेट करता है, पावर को। एनर्जी क्या होती है, एनर्जी होती है पावर इनटू टाइम। इलेक्ट्रिकल पावर जो होती है उसको दिए गए समय में वो क्या करता है, जोड़ता रहता है, जोड़ता रहता है एनर्जी मीटर, तो उससे निकालता है एनर्जी। तो एनर्जी कैसे निकलती है, किसी दिए गए समय में, जीरो से मान लीजिए किसी दिए गए समय में ये क्या करता है, पावर को इंटीग्रेट कर देता है, समाकलन कर देता है, जोड़ डालता है पावर को उस दिए गए समय में, तो वैल्यू प्राप्त करता है। इसीलिए इसको कहते हैं इंटीग्रेटिंग टाइप इंस्ट्रूमेंट। इंटीग्रेट करता है ये, सम करता है ये, जोड़ता है किसको, पावर को। कब तक जोड़ता है, दिए गए समय में, दिए गए समय कोई फिक्स होता है, जैसे एक महीने में आप निकालेंगे
30 डेज तक ये जोड़ता रहेगा पावर को, और उसके बाद फिर जो भी 30 डेज में होगा वो उसको दे देगा यहाँ पे। वैसे तो ये रोज़ जोड़ता रहता है और हमेशा देता रहता है, लेकिन ये आप 30 डेज पे लेंगे तो 30 डेज का रहेगा। तो ये इंटीग्रेटिंग टाइप इंस्ट्रूमेंट का एग्जांपल है, एनर्जी मीटर या वाटा किलो वाट आवर मीटर कह सकते हैं इसको। तीसरे इंस्ट्रूमेंट होते हैं रिकॉर्डिंग टाइप। रिकॉर्डिंग टाइप इंस्ट्रूमेंट क्या होते हैं? दे आर बेसिकली इंडिकेटिंग टाइप इंस्ट्रूमेंट। ये इंडिकेटिंग टाइप होते हैं जो हम डिस्कस कर चुके हैं अभी थोड़ी देर पहले, विथ रिकॉर्डर। इसमें रिकॉर्डिंग सिस्टम होता है या रिकॉर्डर होता है, और ये होते हैं मूलतः इंडिकेटिंग टाइप। तो इंडिकेटिंग टाइप क्या होते हैं इंस्ट्रूमेंट हम अभी बता चुके हैं। तो इसमें जो है अभी हम बता रहे थे ये इंडिकेटिंग टाइप इंस्ट्रूमेंट है, तो इसमें क्या होता है? इसमें होता है पॉइंटर। तो इस पॉइंटर में कुछ नहीं होता है, ये इंडिकेट करके सिंपल वैल्यू दे देता है। लेकिन यहाँ पे रिकॉर्डिंग टाइप इंस्ट्रूमेंट में इसी पॉइंटर में हम एक पेन जोड़ देते हैं, पॉइंटर के नीचे यहाँ पे एक पेन लगा देते हैं। तो ये पेन क्या करता है? ये रिकॉर्ड करता है उस वैल्यू को, जो भी वैल्यू रहती है। जैसे यहाँ देखिए, यहाँ पे क्या किया गया है, ये क्या है? दिस इज पॉइंटर, ये पॉइंटर है। तो पॉइंटर के नीचे क्या किया गया है? यहाँ पे एक पेन लगा दिया गया है, मार्कर। मार्कर क्या करेगा? चिन्ह लगाएगा, जो भी वैल्यू रहेगी वो वहाँ पे वैल्यू यहाँ चिन्ह लगा देगा। तो इसमें एक होता है रोलर, वो पेपर को रोल करता रहता है। ये रोलर है, यहाँ पेपर लगा हुआ है, ये धीरे धीरे रोल करेगा, बढ़ाएगा। जैसे कि टेप रिकॉर्डर में जैसे कैसेट होता है, कैसेट जो होते थे उसमें रील, उसको रोलर एक रोल करता रहता है। तो वैसे यहाँ भी पेपर को धीरे धीरे खिसकाता रहेगा, तो यहाँ से पेपर निकल निकल के यहाँ लपेटता रहेगा। तो ये देखिए मार्कर क्या कर रहा है, ये मार्क कर रहा है वैल्यू को। तो ये वैल्यू जो है मार्क कर रहा है, और हमने क्या किया है यहाँ पे कैलिब्रेट किया है, यहाँ पे जो स्केल है बना लिया है, इसको हमने स्केल यहाँ पे मार्क कर लिया है, वैल्यूज को मार्क कर लिया है यहाँ ग्राफ पे, 1 वोल्ट 2 वोल्ट 3 वोल्ट 4 वोल्ट 5 वोल्ट इस तरह से। तो जो भी वेरिएशन आएगा, तो वेरिएशन आएगा वैल्यू में, तो क्या करेगा ये पॉइंटर, या तो उधर जाएगा या थोड़ा सा इधर आएगा। पॉइंटर में जब इधर वेरिएशन आएगा उधर जाएगा, तो ये क्या करेगा? रिकॉर्ड करेगा इधर, थोड़ा सा पॉइंटर उधर चला जाएगा। और वैल्यू अगर कम होगी तो क्या होगा? पॉइंटर थोड़ा सा इधर खिसक जाएगा इस साइड में। तो ये ग्राफ ऐसे ऐसे आता रहेगा, कभी यहाँ आएगा, कभी यहाँ आएगा, कभी यहाँ आएगा, कभी यहाँ आएगा, कभी यहाँ आएगा। तो इस तरह से वी गेट अ कंटिन्यूअस रिकॉर्ड। वैल्यू जो भी होगी उसका एक निश्चित रिकॉर्ड मिल जाएगा। तो इंडिकेटिंग टाइप इंस्ट्रूमेंट में क्या दोष है कि अगर आपने इंडिकेट किया उसी समय आपको रीड करना पड़ेगा, बट रिकॉर्डिंग टाइप इंस्ट्रूमेंट में हम क्या करते हैं, वी गेट ए परमानेंट रिकॉर्ड। इस रिकॉर्ड को आप 2 महीने 4 महीने या 6 महीने या साल भर बाद या 10 साल बाद भी अगर ये रिकॉर्ड रखा हुआ है, तो आप इसको देख करके पैटर्न देख सकते हैं कि वोल्टेज का पैटर्न क्या था। जैसे कि हम किसी सब स्टेशन पे अगर काम करते हैं और चाहते हैं कि फ्रिक्वेंसी का वेरिएशन, रात में कितने समय फ्रिक्वेंसी बढ़ती है कितने समय घटती है, या 24 आवर में कितने समय बढ़ती है कितने समय घटती है, तो हम यहाँ रिकॉर्डिंग इंस्ट्रूमेंट लगा देंगे। वो रिकॉर्डिंग इंस्ट्रूमेंट क्या करेगा? ग्राफ ले लेगा, और जो भी वेरिएशन आता रहेगा वो वेरिएशन हमको मिल जाएगा, कितने समय बढ़ती है कितने समय घटती है। इंडिकेटिंग टाइप इंस्ट्रूमेंट रहेगा तो हमको उसको बार बार रीडिंग लेना पड़ेगा, एक एक घंटे पर रीडिंग लेंगे हर घंटे पे, और रात में 2 बजे 3 बजे 4 बजे जब सो जाता है इंसान तो उस समय रीडिंग लेना मुश्किल होता है। तो ऐसे में रिकॉर्डिंग इंस्ट्रूमेंट दे आर वेरी यूजफुल, बहुत यूजफुल होते हैं, और भविष्य के लिए भी ये डेटा आज आपके लिए रखा रहेगा, इसको आप यूज कर सकते हैं। इस तरह के वोल्ट मीटर भी हम बना सकते हैं, इस तरह के अमीटर भी बना सकते हैं, इस तरह के फ्रिक्वेंसी मीटर भी बना सकते हैं, इस तरह के वाट मीटर भी बना सकते हैं, इस तरह के हम पावर फैक्टर मीटर भी बना सकते हैं, सब बना सकते हैं ये। तो ये रिकॉर्डिंग इंस्ट्रूमेंट बहुत यूज़फुल होते हैं, हम इसके परमानेंट रिकॉर्ड रख लेते हैं और उसकी वैल्यूज हमको आगे यूज़ कर सकते हैं। ये एक रिकॉर्डिंग टाइप इंस्ट्रूमेंट, देखिए ये होता है ECG, इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम बोलते हैं। इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम, ये हार्ट जो है उसका इलेक्ट्रिकल सिग्नल है, इस तरह का सिग्नल दे रहा है, ये रिकॉर्ड कर लिया जाता है, डॉक्टर इसको रिकॉर्ड कर लेते हैं। कैसे रिकॉर्ड करते हैं? इंसान के चेस्ट में इलेक्ट्रोड लगा देते हैं और उससे हार्ट की एक्टिविटीज ले लेते हैं, उसका रिकॉर्ड ले लेते हैं।
और ये रिकॉर्ड का एनालिसिस करके वो हार्ट की कंडीशन के बारे में जान जाते हैं कि हार्ट नॉर्मल है, हार्ट की बीट फास्ट है, हार्ट का जो पंपिंग है सही है, या हार्ट की फंक्शनिंग सही है कि नहीं है। तो हार्ट की जो फंक्शनिंग है प्रॉपर है कि नहीं है, इसके बारे में डॉक्टर एनालाइज कर लेते हैं, इसकी चौड़ाई, इसकी ऊंचाई, इसका ये सब देख देख के। तो ये रिकॉर्डिंग टाइप इंस्ट्रूमेंट का एक एग्जांपल है। तो इस तरह के बहुत से रिकॉर्डिंग इंस्ट्रूमेंट्स यूज होते हैं चिकित्सा के क्षेत्र में, हम लोग कम्युनिकेशन के क्षेत्र में हम लोग यूज़ करते हैं, हम लोग सब स्टेशंस पे यूज करते हैं एनालिसिस के पॉइंट ऑफ व्यू से। दे आर वेरी वेरी यूजफुल। सो दे आर इंडिकेटिंग टाइप इंस्ट्रूमेंट विथ रिकॉर्डर। इसमें रिकॉर्डर रहता है जो रिकॉर्ड करता रहता है वैल्यूज को। अभी डिस्कस करेंगे हम इंडिकेटिंग टाइप इंस्ट्रूमेंट जो बहुत यूज होते हैं। हमने तीन तरह के इंस्ट्रूमेंट की बात की अभी, तीन तरह के इंस्ट्रूमेंट की बात की हमने, इंडिकेटिंग टाइप, इंटीग्रेटिंग टाइप और रिकॉर्डिंग टाइप। ये इंस्ट्रूमेंट, इसके बारे में अभी हम बात नहीं करने जा रहे हैं, इसके बारे में भी नहीं करने जा रहे हैं। हम किसके बारे में बात करने जा रहे हैं? इंडिकेटिंग टाइप, क्योंकि ये बड़े कॉमन होते हैं। दे आर वेरी कॉमन, बहुत ज़्यादा प्रचलन में हैं, बहुत ज़्यादा यूज होते हैं। अमीटर, वोल्ट मीटर, वाट मीटर, फ्रिक्वेंसी मीटर, मेगर, ये सब जो हैं बहुत यूज करते हैं हम लोग। तो ये इंडिकेटिंग टाइप इंस्ट्रूमेंट से ही होते हैं सभी। उनको बनाने के लिए क्या आवश्यक है, वो इसेंशियल्स क्या हैं, आवश्यक कैसे बना सकते हैं इंडिकेटिंग टाइप इंस्ट्रूमेंट। तो इंडिकेटिंग टाइप इंस्ट्रूमेंट बनाने के लिए तीन मूलभूत आवश्यकताएं हैं, ये देखिए। वन, देर इज सम प्रोविजन फॉर डिफ्लेक्टिंग टार्क। टू, देर इज सम प्रोविजन फॉर कंट्रोलिंग टार्क। थ्री, देर इज सम प्रोविजन फॉर डैम्पिंग टार्क। तीन व्यवस्थाएं हमको करनी पड़ेंगी, तभी ये इंडिकेटिंग टाइप इंस्ट्रूमेंट जो है हम बेहतर तरीके से बना सकते हैं, अच्छा इंस्ट्रूमेंट। तो डिफ्लेक्टिंग टार्क क्या होता है, देखिए, आपने गौर किया होगा कि ये जो पॉइंटर जो इधर जाता है तो इस टार्क के कारण ही जाता है, इसी टार्क को कहते हैं डिफ्लेक्टिंग टार्क, टाउ डी। ये डिफ्लेक्टिंग टार्क भी कहते हैं, इसको ड्राइविंग टार्क भी कह सकते हैं, ड्राइविंग टार्क। ये वही टार्क है जो पॉइंटर को स्केल के ऊपर ले जाता है, आगे मूव कराता है। इट मूव्स द पॉइंटर ओवर द स्केल। और इस डिफ्लेक्टिंग टार्क का मान जो है, इसका मान क्या हमेशा सेम रहता है? नहीं, इसका मान इस राशि के ऊपर डिपेंड करता है। ये जो राशि नापी जा रही है, मान लीजिए अमीटर है तो करंट नाप रहा होगा। तो ये डिफ्लेक्टिंग टार्क किस पे डिपेंड करेगा? इट डिपेंड्स ऑन दी क्वांटिटी बीइंग मेजर्ड। जो राशि नापी जा रही है उसके मान पे निर्भर करता है। जैसे करंट ज़्यादा होगी तो डिफ्लेक्टिंग टार्क जो होगा ज़्यादा होगा, करंट कम होगी तो डिफ्लेक्टिंग टार्क जो है कम होगा। जैसे 8 एम्पियर की करंट है तो डिफ्लेक्टिंग टार्क ज़्यादा होगा, यहाँ तक ले जाएगा खींच के। अगर इसमें करंट 8 एम्पियर की जगह पे 5 एम्पियर है तो डिफ्लेक्टिंग टार्क कम लगेगा और पॉइंटर यहाँ तक जा पाएगा बस। तो डिफ्लेक्टिंग टार्क निर्भर करेगा उस राशि के ऊपर जिसको नाप रहे हैं। तो यही वो टार्क है जो इसको खींच करके ले जाता है इधर। डिफ्लेक्टिंग टार्क कैसे मिलता है, ये इसके बारे में अभी थोड़ी देर में हम डिस्कस करने वाले हैं। देखिए, डिफ्लेक्टिंग टार्क को थोड़ा सा और समझ लीजिए। इसके अंदर क्या व्यवस्था होती है? ये स्केल होता है, ये आप जानते हैं क्या है स्केल। ये यहाँ वैल्यूज लिखी रहती हैं, मान, राशि का मान लिखा रहता है जिसको आप पढ़ना चाहते हैं, जिसको आप नापना चाहते हैं, स्केल के ऊपर लिखा रहता है। ये स्थिर रहता है स्केल, इट इज स्टैटिक। ये होता है, देखिए, पॉइंटर बोलते हैं इसको, दिस इज कॉल्ड पॉइंटर। ये पॉइंटर देखिए, ये है, दिस इज पॉइंटर। पॉइंटर कहाँ होता है? हवा में नहीं होता है पॉइंटर, यहाँ देखिए, यहाँ होता है। इसको बोलते हैं स्पिंडल। स्पिंडल क्या होता है? एल्युमिनियम की पत्ती होती है, एल्युमिनियम की रॉड होती है, एल्युमिनियम रॉड, पेन की रिफिल जैसी पतली सी होती है, एल्युमिनियम की होती है। एल्युमिनियम की क्यों होती है? क्योंकि एल्युमिनियम हल्का होता है, इट इज लाइट इन वेट। हल्का होगा तो ये सिस्टम मूव करेगा, पॉइंटर मूव करेगा, ये मूव करेगा, ये सब मूव करते हैं। तो सिस्टम हल्का रहेगा तो इसका इनर्शिया कम रहेगा, इसका जड़त्व तो कम होगा, तो फिर ये आसानी से मूव कर सकेगा, इसीलिए बनाते हैं एल्युमिनियम का। और एल्युमिनियम बनाने का एक कारण और है कि एल्युमिनियम नॉन मैग्नेटिक है, नॉन मैग्नेटिक है। नहीं तो कोई मैग्नेटिक फील्ड यहाँ पैदा होगा तो वो प्रभावित करेगा, इसको खींचेगा अपनी तरफ, इसीलिए एल्युमिनियम का बनाते हैं। एल्युमिनियम हल्का होता है, पतला होता है, उसको क्या बोलते हैं हम लोग? स्पिंडल। देखिए, ये ऊर्ध्वाधर रहता है ऐसे वर्टिकल, उसी के साथ में ये लगा रहता है पॉइंटर।
तो ये जब घूमता है इधर को तो पॉइंटर भी घूमता है इधर को, तो पॉइंटर उसी के साथ जुड़ा रहता है। यहाँ पे देखिए पॉइंटर जो होता है इसका वेट इधर काम करता है W, तो ये वेट के कारण इधर टार्क डेवलप होगा, ये इधर झुक सकता है, स्पिंडल इधर झुक ना जाए, स्पिंडल पे ये वेट जो है पॉइंटर का वेट जो है क्या करेगा, इधर को झुकाने का प्रयास करेगा, अपनी दिशा में झुकाने का प्रयास करेगा। तो स्पिंडल अगर यहाँ झुक जाएगा तो इस जगह पे फ्रिक्शन बढ़ जाएगा, घर्षण होगा, तो झुके ना स्पिंडल, सीधा रहे, स्पिंडल सीधा रहे, तो इसलिए क्या करते हैं इधर लगा देते हैं बैलेंस वेट। बैलेंस वेट इसको बोलते हैं, बैलेंस वेट क्या करता है, पॉइंटर के वेट के अगेंस्ट यहाँ एक वेट होता है, इसको बैलेंस वेट कहते हैं। इसकी वजह से जितना टार्क इधर को लगता है झुकने का कोशिश करेगा, उसके उल्टा इतना टार्क यहाँ पैदा कर देते हैं, तो ये टार्क को ये टार्क कैंसिल कर देता है और ये बैलेंस कर देता है, और पॉइंटर ये स्पिंडल को सीधा कर रखे रहता है, इसी को कहते हैं बैलेंस वेट। ये लगाते हैं, ये दोनों सीधा रहते हैं। तो देखिए नीचे यहाँ पे इसको बोलते हैं, इस भाग को इसको बोलते हैं पिवोट, ये बियरिंग होती है, इसको कहते हैं जे वेल्ड बियरिंग। ये इसको क्या करता है, फ्रिक्शन को रिड्यूस करता है, कम घर्षण हो, फ्रिक्शन को रिड्यूस करता है, घर्षण को कम करता है, जिससे कि ये मूव कर सके स्पिंडल इस दिशा में या इस दिशा में, यही मूव करता है स्पिंडल, राड मूव करता है, इसके साथ में कोई चीज़ अटैच रहता है जिस पे बल लगता है, अभी हम बताएंगे आगे, वो घूमता है उस पे बल लगता है, तो ये स्पिंडल घूमता है या तो इस दिशा में या तो इस दिशा में, तो स्पिंडल घूमता है तो ये फ्रीली मूव कर सके, इसीलिए पिवोट लगा रहता है ऊपर और नीचे, ये जे वेल्ड बियरिंग है, ये फ्रिक्शन को रिड्यूस करता है और ये सीधा रखता है स्पिंडल राड को, इसी के साथ में ये जुड़ा रहता है पॉइंटर। तो ये जब स्पिंडल इधर को घूमेगा तो ये भी इधर को घूमेगा, तो डिफ्लेक्टिंग टार्क जो लगता है वो क्या करता है, इसको इस दिशा में घुमाता है, डिफ्लेक्टिंग टार्क क्या करता है, इसको इस दिशा में ले जाता है। और मैं बता चुका हूँ कि डिफ्लेक्टिंग टार्क का मान डिपेंड करता है, वोल्टेज है अगर तो इस वोल्टेज पे डिपेंड करेगा, अगर 10 वोल्ट है तो जितना लगेगा उसकी तुलना में 20 वोल्ट है तो ज़्यादा लगेगा। सो डिफ्लेक्टिंग टार्क डिपेंड्स ऑन दी क्वांटिटी विच इज बीइंग मेजर्ड। तो डिफ्लेक्टिंग टार्क क्या है, वो बल है, वह बल है जो पॉइंटर को इस दिशा में, पॉइंटर को स्केल के ऊपर मूव कराता है। कैसे, ये कौन सा फोर्स है, कौन सा बल है, कौन सा बल, बल कैसे प्राप्त करेंगे, कैसे ये इस दिशा में जाएगा, कैसे ये इस दिशा में जाएगा, तो बहुत से हम विद्युत धारा के बहुत से इफेक्ट हैं जिनसे बल पैदा करते हैं, हम फोर्स पैदा कर सकते हैं विद्युत से, हम विद्युत से फोर्स पैदा कर सकते हैं, बहुत से तरीके हैं। मैग्नेटिक इफेक्ट है यानी चुंबक, एक जगह इलेक्ट्रोमैग्नेट कर दीजिए, दूसरा जगह चुंबकीय पदार्थ, वो खींचेगा तो बल पैदा होगा, उसका उपयोग कर लीजिए इसको आगे मूव कराने में फोर्स। इलेक्ट्रोडायनेमिक इफेक्ट क्या है, इसमें क्या है कि मैग्नेटिक फील्ड में करंट कैरिंग कंडक्टर रख दीजिए तो उसमें फोर्स लगेगा करंट कैरिंग कंडक्टर पे, उस फोर्स का यूज कर लीजिए। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन क्या है, इसमें एक मैग्नेटिक मटेरियल है, उसके बगल में दूसरा मैग्नेटिक मटेरियल है, तो उस पर इंडक्शन से आप फोर्स पैदा कर सकते हैं, या यहाँ पे एसी करंट देंगे तो उसमें ईएमएफ पैदा होगा, और ईएमएफ पैदा होगा तो उसमें करंट पैदा होगी और उससे उस पर फोर्स डेवलप हो जाएगा, तो इससे कहते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। इससे भी बल पैदा करते हैं जैसे डिस्क वगैरह में। थर्मल इफेक्ट है, इससे भी हम बल पैदा करते हैं, गर्म करते हैं तार को तो उससे उसकी लंबाई बढ़ती है, लंबाई बढ़ेगी तो फोर्स लगेगा। ये केमिकल इफेक्ट है, इससे भी फोर्स पैदा करते हैं। इलेक्ट्रोस्टैटिक इफेक्ट है, इससे भी फोर्स पैदा करते हैं, दो प्लेट्स के बीच में चार्ज उत्पन्न करके हम फोर्स पैदा कर सकते हैं। तो ये सब बहुत से प्रयोग हैं, बहुत से इलेक्ट्रिक करंट के उपयोग हैं जिनसे हम फोर्स पैदा कर सकते हैं। तो डिफ्लेक्टिंग टार्क पैदा करने के ये सारे बहुत से तरीके हैं जिनका उपयोग हम अलग अलग इंस्ट्रूमेंट में अलग अलग करते हैं। कभी कभी किसी इफेक्ट का उपयोग हम करेंगे हर इंस्ट्रूमेंट में। इसमें कोई ना कोई तरीका यूज किया गया होगा इन्हीं में से, वोल्टमीटर में, अमीटर में, ये अमीटर है इसमें यूज किया गया होगा, वोल्टमीटर में भी यही सब यूज होते हैं। तो ये यही सब यूज होते हैं जो पॉइंटर को ले जाते हैं इस दिशा में। और ये कम और ज़्यादा किस पे होते हैं मैं बता चुका हूँ, ये राशि जो हमने नाप रहे हैं यहाँ पे इसके मान पे डिपेंड करते हैं, मैग्नीट्यूड, इसका मैग्नीट्यूड जो है जितना अधिक होगा ये फोर्स उतना ज़्यादा होगा, टार्क उतना ज़्यादा होगा, ये उतना दूर तक जाएगा वो, और जितना ये मान कम होगा इसका राशि का मान, उतना ही ये बल कम पैदा होगा, टार्क कम पैदा होगा और ये उतना पहले ही रुक जाएगा।
कम होगा। तो डिफ्लेक्टिंग टार्क अगर अकेले होता तो बल थोड़ा पैदा होता या बल ज़्यादा पैदा होता, ये तो पार कर जाता पूरा स्केल। इसलिए एक टार्क और लगता है जो इसके अगेंस्ट लगता है, इसके उल्टा, क्योंकि डिफ्लेक्टिंग टार्क अगर अकेले रहेगा तो वो क्या करेगा, अगर डिफ्लेक्टिंग टार्क अकेले रहेगा तो क्या करेगा, पूरा भगा देगा इसके पॉइंटर को, पूरा पार करा देगा स्केल को, पूरा स्केल पार हो जाएगा। अगर डिफ्लेक्टिंग टार्क अकेले होगा तो चाहे थोड़ा रहे चाहे ज़्यादा रहे पार कर जाएगा। तो इसके विरोध में एक टार्क लगाते हैं, उसको कहते हैं कंट्रोलिंग टार्क। हमने बताया था तीन टार्क लगते हैं, डिफ्लेक्टिंग टार्क, कंट्रोलिंग टार्क और डैम्पिंग टार्क। देखिए कंट्रोलिंग टार्क क्या है, तो डिफ्लेक्टिंग टार्क देखिए हमने अभी बताया कि अगर अकेले होता तो ये पार कर जाता पूरा, तो इसको पार नहीं करना है, कहीं रुकना है, किसी बैलू पे रुकना है, यहाँ पे किसी बैलू पे रुकना है। तो ये क्या करेंगे, एक हम उल्टा टार्क लगाएंगे, डिफ्लेक्टिंग टार्क लगेगा इधर को, एक टार्क लगाएंगे जो उल्टा दिशा में काम करेगा वो कहलाएगा कंट्रोलिंग टार्क। और कंट्रोलिंग टार्क का मान जो है प्रारंभ में जीरो रहता है, प्रारंभ में जीरो रहता है, कब, जब पॉइंटर यहाँ जीरो पे रहता है तो इस समय कंट्रोलिंग टार्क का मान कितना होता है, जीरो। और कंट्रोलिंग टार्क का मान जैसे जैसे ये आगे बढ़ता है पॉइंटर, दो पे जाएगा तो कंट्रोलिंग टार्क बढ़ जाएगा, और चार पे जाएगा तो और बढ़ जाएगा, छः पे जाएगा तो और बढ़ जाएगा, आठ पे जाएगा तो कंट्रोलिंग टार्क इस तरह से बढ़ता जाता है। तो कंट्रोलिंग टार्क किस बात पर डिपेंड करता है, कंट्रोलिंग टार्क इसके मैग्नीट्यूड पर डिपेंड नहीं करता है, राशि के मान पर डिपेंड नहीं करता है, कंट्रोलिंग टार्क इस बात पर डिपेंड करता है कि पॉइंटर जो है कितना डेविएशन हुआ है उसमें, विक्षेप एंगल, डिफ्लेक्शन एंगल कितना आगे बढ़ा है पॉइंटर, उस पर डिपेंड करता है, उसी पर डिपेंड करना चाहिए। तो कंट्रोलिंग टार्क यहाँ दो काम करता है, पहला काम क्या करता है कंट्रोलिंग टार्क पहला काम करता है कि ये डिफ्लेक्टिंग टार्क के अगेंस्ट काम करता है और पॉइंटर को एक स्थिर वैल्यू पे ले जाता है, वहीं जहाँ पे बैलेंस होते हैं दोनों। डिफ्लेक्टिंग टार्क और कंट्रोलिंग टार्क जहाँ दोनों बराबर हो जाते हैं पॉइंटर वहीं पे बैलेंस होता है और वहीं रुकता है और वही वैल्यू आप रीड करते हैं। सो इट बैलेंसेज द डिफ्लेक्टिंग टार्क, एंड व्हेन डिफ्लेक्टिंग टार्क एंड कंट्रोलिंग टार्क व्हेन दे आर इक्वल देन इट इज द स्टेडी स्टेट कंडीशन एंड पॉइंटर गेट्स इट्स स्टेडी स्टेट वैल्यू एट दैट पॉइंट, वहीं रुकता है। तो पहला काम ये करता है कंट्रोलिंग टार्क। तो क्या होगा, डिफ्लेक्टिंग टार्क जैसे ही लगेगा इसमें, आप सप्लाई जैसे ही ऑन करेंगे यहाँ पे, वैसे ही डिफ्लेक्टिंग टार्क जो होगा उसका मैग्नीट्यूड जो होगा फिक्स हो जाएगा। किस पे निर्भर होगा, इस पे, वो मैग्नीट्यूड फिक्स हो जाएगा तो पॉइंटर भागेगा किस दिशा में, पॉइंटर भागेगा इस डायरेक्शन में, किस वजह से, ड्यू टू डिफ्लेक्टिंग टार्क। अभी जब पॉइंटर यहाँ था तो कंट्रोलिंग टार्क जीरो था, जैसे जैसे आगे जाएगा कंट्रोलिंग टार्क बढ़ता जाएगा। मान लीजिए डिफ्लेक्टिंग टार्क है आठ, तो कंट्रोलिंग टार्क बढ़ता जाएगा और आगे जाएगा तो और बढ़ेगा और आगे बढ़ेगा तो और बढ़ेगा, बढ़ता जाएगा। जब आठ पे पहुँचेगा तो क्या होगा, दोनों बैलेंस हो जाएंगे यहाँ पे। इस जगह पे मान लीजिए दोनों बराबर हो गए, डिफ्लेक्टिंग टार्क और कंट्रोलिंग टार्क, तो पॉइंटर यहीं पे रुक जाएगा। इस बिंदु के पहले वाली जो जगह है यहाँ पे कंट्रोलिंग टार्क जो है ये लेस देन डिफ्लेक्टिंग टार्क है, यानी डिफ्लेक्टिंग टार्क ज़्यादा है और कंट्रोलिंग टार्क कम है, इसी वजह से पॉइंटर आगे बढ़ रहा है। इस जगह पे दोनों बराबर हो जाएंगे और इस बिंदु के आगे जो है पॉइंटर नहीं जा सकता है, क्योंकि कंट्रोलिंग टार्क ज़्यादा हो जाएगा इस बिंदु से आगे, डिफ्लेक्टिंग टार्क की तुलना में कंट्रोलिंग टार्क ज़्यादा हो जाएगा। तो कंट्रोलिंग टार्क चूँकि इधर काम कर रहा है, डिफ्लेक्टिंग टार्क इधर को, तो ये पॉइंटर इससे आगे नहीं जाएगा क्योंकि कंट्रोलिंग टार्क ज़्यादा हो जाएगा इसके बाद। यही जगह है जहाँ दोनों बराबर होते हैं और यहीं पे रुकता है, तो कंट्रोलिंग टार्क डिफ्लेक्टिंग टार्क दोनों बराबर हो जाते हैं। ये पहला काम है कंट्रोलिंग टार्क का। दूसरा, मान लीजिए हमने सप्लाई ऑफ कर दिया तो पॉइंटर यहाँ पे आठ पे अगर गया है तो आठ पे रुका नहीं रहना चाहिए, इट शुड कम बैक टू जीरो पोजिशन। जीरो पे कौन लाता है, आपने गौर किया होगा कि पॉइंटर जीरो पे आ जाता है वापस, सप्लाई आप करते ही पॉइंटर जीरो पे क्यों आ जाता है, क्योंकि जैसे ही सप्लाई आपने आप किया, डिफ्लेक्टिंग टार्क कौन दे रहा था, सप्लाई की वजह से थे, डिफ्लेक्टिंग टार्क क्यों था, ड्यू टू सप्लाई, सप्लाई बंद डिफ्लेक्टिंग टार्क बंद। तो यहाँ से जैसे ही सप्लाई आप किया डिफ्लेक्टिंग टार्क जीरो हो गया। लेकिन हमने बताया था कंट्रोलिंग टार्क जो होता है वो सप्लाई पर डिपेंड नहीं करता है, वो डिपेंड करता है कि कितना दूरी ये गया है, डिफ्लेक्शन एंगल थीटा,
विक्षेप एंगल। तो कंट्रोलिंग टार्क अभी यहाँ बना हुआ है, वो क्या करेगा, वो काम कर रहा है। कंट्रोलिंग टार्क जितना भी है वो काम कर रहा है, डिफ्लेक्टिंग टार्क जीरो हो गया है। तो क्या करेगा कंट्रोलिंग टार्क, वो अकेले है तो क्या करेगा, उसका काम है इधर की तरफ खींचना, वापस खींच के लाता है ये पॉइंटर को जीरो पे। तो कंट्रोलिंग टार्क दो काम करता है, पहला बड़ा बैलेंसिंग करता है डिफ्लेक्टिंग टार्क को, दूसरा इट ब्रिंग्स बैक द पॉइंटर, पॉइंटर को वापस लाता है व्हेन सप्लाई स्विच ऑफ, सप्लाई ऑफ करने पे या जो ब्रश नाप रहे हैं, जो क्वांटिटी नाप रहे हैं उसको ऑफ करने पे वापस भी लाता है। सो कंट्रोलिंग टार्क डस टू पर्पस, दो काम करता है। तो कंट्रोलिंग टार्क देने की दो विधियां हैं, कैसे कंट्रोलिंग टार्क देंगे, पहला होता है स्प्रिंग कंट्रोल, दूसरा होता है ग्रेविटी या वेट कंट्रोल। दोनों को समझते हैं, पहले स्प्रिंग कंट्रोल समझते हैं फिर ग्रेविटी या वेट कंट्रोल। देखिए स्प्रिंग कंट्रोल मेथड में क्या करते हैं, स्पाइरल स्प्रिंग यूज करते हैं, इस तरह के हेयर स्प्रिंग, एक सिरा इसका फिक्स कर देते हैं बाहर ये, और दूसरा सिरा जो है इसको लगा देते हैं स्पिंडल के साथ, वेल्डिंग कर देते हैं, इसको जोड़ देते हैं। यहाँ स्पिंडल है, दिस इज स्पिंडल। तो ये हेयर स्प्रिंग है, इसको बोलते हैं हेयर स्प्रिंग। ये किसकी बनी होती है, ये बनी होती है फॉस्फर ब्रॉन्ज धातु की, फॉस्फर ब्रॉन्ज, फॉस्फर ब्रॉन्ज जो है क्या होता है, इलास्टिक मटेरियल होता है, प्रत्यास्थता अच्छी होती है, इलास्टिक होता है। और हेयर स्प्रिंग क्यों बोलते हैं, क्योंकि बहुत पतला होता है, बहुत पतला तार होता है बाल जैसा। तो ये फॉस्फर ब्रॉन्ज धातु की बनाते हैं हेयर स्प्रिंग, स्पाइरल स्प्रिंग, स्पाइरल शेप में बनाते हैं, एक सिरा यहाँ पे बाहर स्थिर, दूसरा स्पिंडल के साथ में जोड़ देते हैं। अब स्प्रिंग में एक खासियत होती है, देखिए इसमें दो स्प्रिंग यूज की गई हैं, एक स्प्रिंग भी यूज कर सकते हैं, दो स्प्रिंग भी, किस लिए, कंट्रोलिंग टार के लिए। तो स्प्रिंग को इसके साथ इस प्रकार से वेल्डिंग करेंगे कि सामान्य अवस्था में जब ये जीरो पे रहता है, जब ये जीरो पे है, व्हेन पॉइंटर इज इन जीरो पोजीशन, स्प्रिंग जो है उसमें कोई टेंशन नहीं है, नो टेंशन। नो टेंशन का मतलब स्प्रिंग अपने नॉर्मल शेप में है, नॉर्मल शेप में है, तो कोई टार्क डेवलप नहीं करती है स्प्रिंग, आप जानते हैं कोई बल नहीं लगता है, ऐसी व्यवस्था इसमें की गई है। लेकिन जैसे ही डिफ्लेक्टिंग टार्क लगेगा तो ये भागेगा इधर को, डिफ्लेक्टिंग टार्क की वजह से उधर को भागेगा, तो स्प्रिंग जो है कौन सा सिरा, ये जो जुड़ा है स्पिंडल के साथ, स्पिंडल जाएगा उधर को, स्पिंडल जाएगा उधर को, तो स्पाइरल स्प्रिंग जो है वो अभी हम बता चुके हैं उसका एक सिरा फिक्स है, दूसरा स्पिंडल से जुड़ा है। तो स्पिंडल अगर घूम रहा है जिस दिशा में, तो स्प्रिंग में क्या करेगा, ट्विस्ट आएगा, ट्विस्ट, या उसको कहते हैं टॉर्जन क्रिएट होगा, टॉर्जन। तो टॉर्जन आएगा, ट्विस्ट आएगा स्पाइरल में, तो क्या होगा, वो टार्क डेवलप करेगा, टार्क डेवलप करेगा, तो वही टार्क डेवलप होगा, उसी को कहते हैं कंट्रोलिंग टार्क। और वो किसके समानुपाती होता है, ट्विस्ट एंगल, कितना एंगल से ये घूमता है उस पर डिपेंड करता है। ये मान लीजिए थीटा एंगल घूम गया तो कंट्रोलिंग टार्क थीटा के समानुपाती होगा, और जैसे जैसे हमने बताया था डिफ्लेक्टिंग टार्क ज़्यादा होगा तो ये बढ़ता जाएगा, आगे बढ़ेगा, जैसे जैसे आगे बढ़ता जाएगा पॉइंटर वैसे वैसे थीटा बढ़ता जाएगा, और जैसे जैसे पॉइंटर आगे बढ़ता जाएगा वैसे वैसे थीटा बढ़ता जाएगा। तो क्या होगा, जैसे जैसे पॉइंटर आगे बढ़ेगा वैसे वैसे थीटा बढ़ेगा, थीटा बढ़ रहा है, प्रारंभ में यहाँ था थीटा जीरो, थीटा एक डिग्री, दो डिग्री, इस तरह से 10 डिग्री 20 डिग्री बढ़ता जाएगा, थीटा बढ़ेगा तो कंट्रोलिंग टार्क बढ़ेगा। और हम बता चुके हैं कि डिफ्लेक्टिंग टार्क जो है जैसे ही वोल्टेज अप्लाई करेंगे वो कांस्टेंट हो जाता है, तो डिफ्लेक्टिंग टार्क तो उतना ही रहेगा, लेकिन कंट्रोलिंग टार्क ये जितना आगे बढ़ेगा वो बढ़ता जाएगा, एक समय आएगा जब दोनों बैलेंस हो जाएंगे। जिस जगह पर दोनों बैलेंस हो जाएंगे तो वहाँ पर क्या होगा, पॉइंटर रुक जाएगा, पॉइंटर रुक जाएगा, वही हो जाएगी स्टेडी स्टेट कंडीशन, वही जो है वैल्यू रीड कर लेंगे। तो ये होता है स्प्रिंग कंट्रोल, बहुत आसान होता है, इट इज़ वेरी इजी। और इसमें कंट्रोलिंग टार्क जो होता है वो किसके समानुपाती होता है, थीटा के। थीटा क्या है, डिफ्लेक्शन एंगल, विक्षेप एंगल। तो लीनियरली बढ़ता है, लीनियरली जैसे जैसे ये बढ़ेगा वैसे वैसे कंट्रोलिंग टार्क लीनियरली बढ़ेगा। और मान लीजिए हमने इसमें जो करंट दिया है आई दिया है, डिफ्लेक्टिंग टार्क मान लीजिए समानुपाती है करंट के,
तो स्टेडी स्टेट कंडीशन में हमने बताया कि दोनों बराबर होते हैं, तो यहाँ पे थीटा किसके समानुपाती होगा, आई के। थीटा आई के समानुपाती होगा कि मतलब जैसे जैसे करंट बढ़ेगी वैसे वैसे ये आगे बढ़ेगा उसी अनुपात में रेखीय रूप में। तो जो स्केल आएगा ये लीनियर आएगा, लीनियर स्केल इसको बोलते हैं, या यूनिफार्म स्केल कहते हैं, यूनिफार्म स्केल। आपने यूनिफार्म स्केल देखा है कि नहीं देखा है, ये देखिए यूनिफार्म स्केल, इसी को कहते हैं यूनिफार्म स्केल। यूनिफार्म स्केल वह स्केल होता है जो प्रारंभ में और बीच में और अंत में बराबर बराबर खाने होते हैं, इक्वल। इसको लीनियर स्केल या यूनिफार्म स्केल कहते हैं। तो स्प्रिंग कंट्रोल मेथड में स्केल जो है यूनिफार्म या लीनियर हो सकता है, इसकी संभावना बहुत ज़्यादा है, अगर डिफ्लेक्टिंग टार्क उस राशि के समानुपाती होगा तो स्केल लीनियर होगा, क्योंकि कंट्रोलिंग टार्क तो थीटा के ही समानुपाती होता है इसमें। तो बहुत देखिए यूज होता है, बहुत ज़्यादा ये स्प्रिंग कंट्रोल यूज करते हैं हम लोग। अब क्या होगा, सप्लाई ऑफ कर देंगे, आप सप्लाई ऑफ कर देंगे तो कंट्रोलिंग टार्क तब भी तो थीटा के समानुपाती है, तो यहाँ सप्लाई ऑफ किया तो डिफ्लेक्टिंग टार्क जीरो हो गया, लेकिन कंट्रोलिंग टार्क जीरो नहीं हुआ। कंट्रोलिंग टार्क तो जीरो कब होता है, जब जीरो पे होता है, तो ये खींच करके क्या करेगा, वापस लाएगा कंट्रोलिंग टार्क इसको वापस जीरो पे। तो पॉइंटर इसी वजह से जीरो पे आता है भाग करके, कंट्रोलिंग टार्क काम करता है। तो कंट्रोलिंग टार्क तभी काम करता है जब पॉइंटर यहाँ से आगे बढ़ता है, क्योंकि थीटा का मान जब जीरो होगा कंट्रोलिंग टार्क जीरो होगा। तो ये है स्प्रिंग कंट्रोल मेथड है, बहुत यूज होता है, अधिकांश इंस्ट्रूमेंट में यही यूज होता है। दूसरा होता है ग्रेविटी कंट्रोल या वेट कंट्रोल मेथड। इस मेथड में क्या करते हैं, देखिए ये स्पिंडल है जिसकी बात हम कर चुके हैं, इसका टॉप व्यू देखिए, टॉप व्यू ऊपर से देखने पे ये स्पिंडल ऐसे दिखेगा। ये पहला था स्प्रिंग कंट्रोल हम डिस्कस कर रहे थे, दूसरा है ग्रेविटी कंट्रोल या वेट कंट्रोल। इसको ग्रेविटी कंट्रोल क्यों कहते हैं, क्योंकि इसमें जी के मान पे डिपेंड करता है कंट्रोलिंग टार्क। वेट कंट्रोल क्यों कहते हैं, क्योंकि वेट जो है इसमें कंट्रोल वेट होता है जो बहुत इंपॉर्टेंट रोल अदा करता है, इसी की वजह से कंट्रोलिंग टार्क लगता है, इसीलिए इसको वेट कंट्रोल भी कहते हैं, वेट यूज होता है कंट्रोलिंग टार्क के लिए। लेकिन इसमें इंस्ट्रूमेंट को वेट को हमेशा वर्टिकल लटकाना पड़ता है, वेट हमेशा वर्टिकल रहेगा तभी कंट्रोलिंग टार्क देगा। अगर वेट हॉरिजॉन्टल हो गया, जैसे इंस्ट्रूमेंट को हमने ऐसे प्लेन में रख दिया, हॉरिजॉन्टल रख दिया ऐसे, ये स्केल है, ये इंस्ट्रूमेंट काम ही नहीं करेगा। क्यों, क्योंकि इसमें वेट तभी अपना कंट्रोलिंग टार्क देगा जब ये वर्टिकल होगा, इसीलिए इसको पैनल में फिक्स कर देते हैं, इसको मूव नहीं कराते। अगर इस तरह का कंट्रोलिंग टार्क लगा है इंस्ट्रूमेंट में तो इसको हम मूव नहीं कराते हैं, इसको पैनल में फिक्स कर देते हैं और ऐसे वर्टिकल रहता है वेट हमेशा, तभी ये अपना काम करता है। तो कैसे काम करता है देखिए, ये है मान लीजिए, ये है क्या है, ये है पॉइंटर, पॉइंटर के साथ में, पॉइंटर नहीं है ये स्पिंडल है, दिस इज स्पिंडल, ये आपको बता चुके हैं हम पहले डिस्कस कर चुके हैं, दिस इज स्पिंडल, ये है पॉइंटर, दिस इज पॉइंटर, ये टॉप व्यू है। बैलेंस वेट क्या होता है बता चुका हूँ, पॉइंटर के वेट को बैलेंस करने के लिए लगाते हैं, ये तो लगा है, ये तो आप जानते हैं, यहाँ भी लगा है बैलेंस वेट, ये बैलेंस वेट है, यहाँ एक वेट अलग से लगा हुआ है, ये वेट इंपॉर्टेंट है, इसको कहते हैं कंट्रोल वेट। कंट्रोल वेट हमेशा वर्टिकली डाउनवर्ड रहता है ऐसे, इस तरह से ये वर्टिकली डाउनवर्ड रहता है, काम करता है ऐसे डब्लू इधर। अब क्या होता है, पूरा सिस्टम ऐसे वर्टिकल रहता है तो ये वेट ऐसे काम करता है, तो डिफ्लेक्टिंग टार्क के कारण क्या होता है, ये इधर जाता है। जब ये मान लीजिए इधर गया, थीटा एंगल चला गया इधर, ये दिस इज पोजिशन नंबर वन, दिस इज पोजिशन नंबर टू, ये थीटा एंगल घूम गया तो ये जो कंट्रोल वेट है ये भी घूम जाएगा, थीटा एंगल यहाँ आ गया, यहाँ आ गया थीटा एंगल पोजिशन नंबर टू, रिफ्लेक्टिंग टार के कारण जब इधर गया तो सब ऊपर चले गए, थोड़ा थोड़ा घूम गए। अब यहाँ जो वेट है देखिए, इस वेट के वेट को देखिए वर्टिकली डाउनवर्ड अभी भी काम करेगा, ये एंगल थीटा है ये, तो ये लाइन से यहाँ से एंगल ये भी थीटा होगा, ये दिस एंगल इज ऑल्सो थीटा। अब यहाँ वेट डब्लू है, इसके दो कंपोनेंट में रिजॉल्व कर सकते हैं, इधर एक ये डब्लू कॉस थीटा और एक इसके परपेंडिकुलर यहाँ इधर इस दिशा में, W का एक कंपोनेंट ले सकते हैं इस दिशा में, ये कंपोनेंट होगा W साइन थीटा,
ये जो कंपोनेंट W साइन थीटा होगा, ये मान लीजिए इसकी लंबाई अगर L है, जहाँ से ऊपर से ये सस्पेंडेड है, ये लंबाई L है, तो ये क्या करेगा, एक टार्क डेवलप करेगा। W साइन थीटा टार्क डेवलप करेगा, इसको वेट को W साइन थीटा इधर ले जाने के लिए टार्क डेवलप करेगा। कहाँ ले जाने के लिए, पोजीशन नंबर वन की तरफ, तो वापस ले जाएगा जहाँ था, उधर ले जाने के लिए टार्क डेवलप करेगा। तो ये क्या करेगा, इधर की तरफ टार्क लगेगा, तो ये एक टार्क डेवलप होगा। कितना टार्क डेवलप होगा, उसी को कहेंगे कंट्रोलिंग टार्क, वो कितना होगा, एल इंटू डब्ल्यू साइन थीटा, इतना टार्क डेवलप होगा, जो कि इसको पॉइंटर को या वेट को वापस वहीं ले जाने का प्रयास करेगा जहां वो था। तो ये टार्क जो डेवलप होगा, यही क्या करेगा, पूरे सिस्टम को उल्टा दिशा में, इधर की दिशा में काम करेगा, और ये इसको वापस उसी दिशा में ले जाने का प्रयास करेगा। कितना टार्क लगेगा, एल इंटू डब्ल्यू साइन थीटा। जैसे जैसे ये डिफ्लेक्टिंग टार्क के कारण ये आगे बढ़ेगा, थीटा का मान बढ़ता जाएगा, और जैसे जैसे थीटा का मान बढ़ता जाएगा, वैसे वैसे साइन थीटा का मान बढ़ता जाएगा, और जैसे जैसे साइन थीटा का मान बढ़ता जाएगा, वैसे वैसे कंट्रोलिंग टार्क भी बढ़ता जाएगा। तो यहाँ पे कंट्रोलिंग टार्क किसके समानुपाती है, देखिए यल कॉन्स्टेंट है, ये लंबाई जहाँ से ये सस्पेंडेड है वो कॉन्स्टेंट है, डब्ल्यू भी कॉन्स्टेंट है, तो कंट्रोलिंग टार्क किसके समानुपाती होगा, यहाँ पे कंट्रोलिंग टार्क किसके प्रोपोर्शनल है, साइन थीटा के। तो स्प्रिंग कंट्रोल में किसके प्रोपोर्शनल था कंट्रोलिंग टार्क, यहाँ प्रोपोर्शनल था थीटा के, यहाँ साइन थीटा के। तो साइन थीटा का मान लीनियरली तो नहीं बढ़ता है, आपको मालूम है साइन थीटा का मान शुरू में धीरे धीरे बढ़ता है, बाद में तेज बढ़ता है, लीनियर नहीं बढ़ता है, ये क्लियर है। तो इसमें क्या होगा कि कंट्रोलिंग टार्क साइन थीटा के प्रोपोर्शनल होगा। जैसे जैसे डिफ्लेक्टिंग टार्क के कारण ये बढ़ेगा, थीटा बढ़ेगा, थीटा बढ़ेगा तो साइन थीटा बढ़ेगा, साइन थीटा बढ़ेगा तो कंट्रोलिंग टार्क बढ़ता जाएगा। अंडर स्टेडी स्टेट कंडीशन जब डिफ्लेक्टिंग टार्क और कंट्रोलिंग टार्क दोनों बराबर हो जाएंगे, मान लीजिए यहाँ बराबर हो गए, वहीं पे दोनों बराबर हो गए, वहीं पे पॉइंटर रुक जाएगा और वही वैल्यू इंडिकेट कर देगा, वो वैल्यू हम रीड कर लेंगे यहाँ पे। लेकिन हमने बताया कि जो कंट्रोलिंग टार्क है वो लीनियरली नहीं बढ़ेगा, ये नॉन लीनियर है, क्योंकि ये साइन थीटा के समानुपाती है और साइन का मान लीनियरली नहीं बढ़ता है। तो यहाँ अगर जो डिफ्लेक्टिंग टार्क है वो आई के प्रोपोर्शनल भी है, जैसे कि यहाँ पे अभी था, हमने बताया था डिफ्लेक्टिंग टार्क मान लीजिए आई के समानुपाती है, तो यहाँ पे थीटा इज प्रोपोर्शनल टू आई आया था, यहाँ पे ऐसा नहीं आएगा, क्योंकि अंडर स्टेडी स्टेट कंडीशन जब दोनों बराबर होंगे तो यहाँ जो आई आएगा वो प्रोपोर्शनल होगा साइन थीटा के। तो यहाँ जो स्केल आएगा नॉन लीनियर, नॉन यूनिफार्म कह सकते हैं, नॉन यूनिफार्म, तो इसका स्केल नॉन यूनिफार्म होता है, याद रखिएगा। अगर ग्रेविटी कंट्रोल है तो नॉन यूनिफार्म या नॉन लीनियर स्केल आएगा, क्यों, क्योंकि यहाँ कंट्रोलिंग टार्क जो है वो थीटा के समानुपाती नहीं है, बल्कि किसके समानुपाती है, साइन थीटा के, और साइन थीटा का मान लीनियरली नहीं बढ़ता है, साइन थीटा का मान बढ़ता है नॉन लीनियर पैटर्न में। तो ये इस तरह का इंस्ट्रूमेंट हम आपको दिखा रहे हैं, ये देखिए इसका स्केल देखिए नॉन यूनिफार्म है, ये 100 से 200 के बीच में स्केल देखिए, 200 से 300 के बीच में ज़्यादा गैप है, 300 से 4 के बीच में और ज़्यादा गैप है, इस तरह का स्केल जो होता है हम उस स्केल को कहते हैं नॉन लीनियर या नॉन यूनिफार्म स्केल, नॉन लीनियर या नॉन यूनिफार्म स्केल बोलते हैं। तो यहाँ तक हम डिस्कस कर चुके हैं, तो दोनों के अपने अपने लाभ हैं, अपने अपने नुकसान हैं। तो स्प्रिंग कंट्रोल और ग्रेविटी या वेट कंट्रोल मेथड जो है, इनको कंपेयर कर लीजिए दोनों को, कभी कभी स्प्रिंग कंट्रोल यूज करते हैं, कभी कभी ग्रेविटी या वेट कंट्रोल मेथड यूज करते हैं, दोनों के अपने अपने लाभ हानि हैं, एडवांटेज डिसएडवांटेज हैं। तो थोड़ा सा कंपेरिजन कर लेते हैं दोनों को। पहला कंपेरिजन स्केल का देख लीजिए, अभी हम बता चुके हैं स्केल इसका यूनिफार्म होता है, इसका नॉन यूनिफार्म होता है, ज़्यादातर नॉन यूनिफार्म। तो स्केल हो गया, ये यूनिफार्म स्केल जो है डिजायरेबल होता है, एडवांटेज होता है, क्योंकि उसको रीड करना आसान होता है। स्केल के बाद में दूसरा देखिए कंपैरिजन, सिंपलिसिटी देखिए, दूसरा कंपैरिजन देख लिए, इनर्सिया किस में ज़्यादा हो जाएगा, इनर्सिया वेट
जाहिर है कि यहाँ हम वेट लटका रहे हैं तो इसका इनर्शिया बढ़ जाएगा, इसका इनर्शिया लेस है, इसका इनर्शिया मोर है, ज़्यादा इनर्शिया है तो ये इसका एडवांटेज है, इसका डिसएडवांटेज है। इनर्शिया कम रहेगा तो इंस्ट्रूमेंट सेंसिटिव होगा, इनर्शिया ज़्यादा रहेगा तो इंस्ट्रूमेंट सेंसिटिव कम होगा, रिस्पॉन्स स्लो हो जाएगा। इसके बाद तीसरा देखिए कंपेरिजन, ग्रेविटी पर डिपेंड करेगा कि नहीं, ये डिपेंड नहीं करेगा, नॉट डिपेंडेंट, ग्रेविटी पे डिपेंड नहीं करेगा। आप इसको चंद्रमा पे ले जाओ, आप इसको किसी भी प्लैनेट पे ले जाओ, एनी प्लैनेट, ये काम करेगा क्योंकि ये जी के मान पे डिपेंड नहीं करता है, ये जी के मान पे डिपेंड करता है। ये पृथ्वी पे अलग देगा डिफ्लेक्टिंग कंट्रोलिंग टार्क, पृथ्वी पे अलग रहेगा और चंद्रमा पे अलग रहेगा, सो इट डिपेंड्स ऑन दी ग्रेविटी, तो इसकी लिमिटेशन है, ये ग्रेविटी पे डिपेंड करता है। तो ये तीसरा कंपैरिजन हो गया। चौथा कंपैरिजन देख लीजिए, एज, एजिंग का कोई प्रभाव पड़ेगा, एजिंग 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 मतलब एज, ये एजिंग का प्रभाव इस पर पड़ता है क्योंकि स्प्रिंग लूज हो जाती है, यूज करते करते 10 साल में, 2 साल में, 4 साल में लूज हो जाएगी स्प्रिंग, तो ये एजिंग हो जाएगी, इसमें एजिंग इफेक्ट होता है, उम्र का प्रभाव पड़ता है, इसमें नो इफेक्ट। 100 साल बाद भी अगर इसका वेट जो भी है, आज अगर वेट 10 ग्राम है तो 100 साल बाद भी 10 ग्राम ही रहेगा, तो वेट इसमें एजिंग का कोई प्रभाव नहीं पड़ता है, नो इफेक्ट ऑफ एजिंग। चौथा हो गया। पांचवा देखिए कंपैरिजन, ये कंपैरिजन्स हो रहे हैं, ये थोड़ा सा कॉस्टली है, ये थोड़ा सा चीप है क्योंकि वेट ही लटकाना है तो वेट बनाना कोई मुश्किल काम नहीं है, इसमें थोड़ा सा डेलिकेट डिजाइन होती है इसकी, बहुत ध्यान से बनाना पड़ता है स्प्रिंग को, तो थोड़ा सा कॉस्ट बढ़ जाती है। सिंपलिसिटी, कौन सिंपल है, ये छठवां कंपैरिजन देखिए, ये थोड़ा सा सिंपल है, दिस इज सिंपल, ये थोड़ा सा डिफिकल्ट है, थोड़ा सा स्लाइटली डिफिकल्ट, तो ये कंपैरिजन कर रहे हैं, इसमें एडवांटेज डिसएडवांटेज आप इसको छांट सकते हैं। सातवां देखिए, कंट्रोलिंग टार्क चेंज करना हो, मान लो हम बता रहे थे पिछले वीडियो में कैलिब्रेशन, तो कंट्रोलिंग टार्क चेंज करके ही कैलिब्रेशन में ये वैल्यू कम ज़्यादा पड़ रहा है तो कैसे करेंगे, सेट करेंगे, कंट्रोलिंग टार्क को ही सेट करते हैं, तो कंट्रोलिंग टार्क चेंज करना किसमें आसान है, इसमें तो डिफिकल्ट है। स्प्रिंग बिना चेंज किए, बिना स्प्रिंग को चेंज किए, रिप्लेस किए, आप कंट्रोलिंग टार्क नहीं बदल पाएंगे। यहाँ इजी है, इजी है, आसान है, क्यों, क्योंकि कंट्रोलिंग टार्क बढ़ाना है, थोड़ा सा वेट लाओ इसी पे, सोल्डरिंग कर दो, बढ़ जाएगा वेट, कंट्रोलिंग टार्क बढ़ जाएगा। कंट्रोलिंग टार्क घटाना है, थोड़ा सा काट के वेट निकाल दीजिए, कंट्रोलिंग टार्क घट जाएगा। तो ये जो है देखिए कंपैरिजन्स हैं, इन कंपैरिजन्स में आप देख सकते हैं। तीसरा, इसके बाद आठवां कंपैरिजन देखिए, पोर्टेबल है कि नहीं है, पोर्टेबल का मतलब एक स्थान से दूसरे स्थान तक ले जा सकते हैं कि नहीं, उल्टा सीधा हॉरिजॉन्टल रख सकते हैं कि नहीं, ये पोर्टेबल है, उल्टा सीधा कहीं भी रखिए। देखिए ये जो आप मीटर लैब में यूज करते हैं, इसको आप क्या पैनल में फिक्स करते हैं, नहीं, आप कभी सीधा रख देते हैं, कभी टेढ़ा रख देते हैं, लेकिन ये काम करता है, क्यों, क्योंकि इसमें स्प्रिंग कंट्रोल लगा है, इट वर्क्स, ये वर्क करता है स्प्रिंग कंट्रोल मेथड, इसलिए ये पोर्टेबल है, ये पोर्टेबल नहीं है, दिस इज नॉन पोर्टेबल। नॉन पोर्टेबल क्यों है, बिकॉज ये वर्क करेगा जब ये वर्टिकल रहेगा, अगर आपने इसको उल्टा कर दिया या हॉरिजॉन्टल कर दिया, ये वेट काम नहीं करेगा, कंट्रोलिंग टार खत्म हो जाएगा, इंस्ट्रूमेंट जो है काम नहीं करेगा प्रॉपर, तो इसीलिए इसको पैनल में फिक्स कर देते हैं, पोर्टेबल नहीं होता है, दिस इज नॉट पोर्टेबल। तो इनके एडवांटेज डिसएडवांटेज और कंपैरिजन्स आपने कर लिए हैं। तो ये कंट्रोलिंग टार्क हो गया, तो क्या 2 टार्क ही पर्याप्त हैं, तो हमने तो शुरू में 3 टार्क बताए थे, डिफ्लेक्टिंग टार्क हो गया, कंट्रोलिंग टार्क भी हो गया, तो ये डैम्पिंग टार्क क्या है, आपने गौर किया होगा कि कभी कभी ये पॉइंटर जाता है और यहाँ ऐसे ऐसे स्विंग करता है, स्विंग, स्विंग का मतलब 6 पे रुकना चाहिए, तो 6 पे ना रुक करके उसके अगल बगल ऐसे ऐसे पॉइंटर, देयर इज ऑसिलेशन, उसको बोलते हैं ऑसिलेशन।
ऑसिलेशन, ऑसिलेशन होता है पॉइंटर में, तो ये क्यों होता है देखिए, इसी को कहते हैं, इसीलिए लगाते हैं, उसको कहते हैं डैम्पिंग टार्क। देखिए ऑसिलेशन क्यों होता है, ये मान लीजिए 6 पे गया, 6 पे, हम अभी थोड़ी देर पहले डिस्कस कर रहे थे इस जगह पे कंट्रोलिंग टार्क और डिफ्लेक्टिंग टार्क दोनों बराबर हो गए, तो यहीं रुक जाना चाहिए इसको, बट ऐसा होता नहीं है। क्यों? क्योंकि मान लीजिए 6 ये है, ये है 6, 6 पे पहुंचा तो कंट्रोलिंग टार्क और डिफ्लेक्टिंग टार्क तो बराबर हो गए, लेकिन पॉइंटर तुरंत नहीं रुक जाएगा। क्यों? क्योंकि ये पूरा सिस्टम गतिमान है, दिस इंटायर सिस्टम इज इन द मोशन, और कोई मोशन में जो वस्तु होती है तो इमीडिएटली नहीं रुक जाती है, ये क्या करेगा, थोड़ा सा आगे निकल जाएगा। क्यों? ड्यू टू इनर्शिया ऑफ द मूविंग सिस्टम, ड्यू टू इनर्शिया ऑफ द मूविंग सिस्टम, गतिमान है पूरा सिस्टम, तो इसमें कुछ वेट होगा, इनर्शिया होगा, उसके वजह से तुरंत नहीं रुक जाएगा, ये थोड़ा सा निकल जाएगा आगे, मान लीजिए यहाँ निकल गया, यहाँ तक आ गया, ये थोड़ा सा आगे आ गया यहाँ तक, क्यों? बिकॉज ऑफ इनर्शिया, यहाँ तक पहुँच गया, अब वहाँ तक पहुँच गया, ये यहाँ तक पहुँच गया, रुकना यहाँ चाहिए था, पहुँच गया यहाँ तक, अब यहाँ तक पहुँच गया, तो डिफ्लेक्टिंग टार्क जो है उसकी तुलना में, हमने बताया था कि बराबर तो यहाँ हुए हैं 6 पे, लेकिन यहाँ पहुँच गया तो यहाँ पे देखिए कंट्रोलिंग टार्क ज़्यादा हो जाएगा डिफ्लेक्टिंग टार्क से, डिफ्लेक्टिंग टार्क की तुलना में कंट्रोलिंग टार्क यहाँ इस बिंदु पे ज़्यादा हो जाएगा, तो यहाँ पॉइंटर कैसे रुक सकता है, रुक ही नहीं सकता है, क्योंकि यहाँ बैलेंसिंग नहीं है, तो क्या करेगा कंट्रोलिंग टार्क, इसको खींच के वापस लाएगा, वापस कहाँ लाएगा, 6 पे, 6 पे लाने के लिए टार्क लगाएगा, वापस लगाएगा, तो ये वापस पूरा सिस्टम फिर से वापस मूव होगा इस दिशा में, किस दिशा में, इस दिशा में एंटी क्लॉकवाइज पूरा सिस्टम मूव करेगा, क्योंकि वापस ला रहा है उसको खींच के, वापस लाया तो 6 पे बराबर हो जाएंगे, तो यहाँ रुक जाना चाहिए, यहाँ पे रुक जाना चाहिए वापस लाया तो, लेकिन नहीं, वहाँ फिर नहीं रुकेगा, क्यों? क्योंकि पूरा सिस्टम फिर से डायनेमिक है, और बता चुके हैं कि डायनेमिक सिस्टम तुरंत नहीं रुक जाता है, तो ये क्या करेगा, ड्यू टू इनर्सी ऑफ द मूविंग सिस्टम, ये थोड़ा सा फिर से पीछे आ जाएगा, यहाँ तक आ गया, ये देखिए यहाँ तक आ गया, वाप पीछे यहाँ आ गया, तो कंट्रोलिंग टार्क डिफ्लेक्टिंग टार्क तो बराबर यहाँ हुए थे, तो यहाँ पे तो कंट्रोलिंग टार्क जो है कम है, डिफ्लेक्टिंग टार्क यहाँ ज़्यादा हो जाएगा, डिफ्लेक्टिंग टार्क इज मोर देन कंट्रोलिंग टार्क, तो वो क्या करेगा, फिर से खींच के ले जाएगा वापस, ये फिर से वापस ले जाएगा वहाँ पे, वापस फिर ले जाएगा, तो पूरा सिस्टम फिर से उल्टा दिशा में गतिमान होगा, पूरा सिस्टम फिर से गतिमान होगा, तो फिर से इनर्शिया की वजह से वहाँ नहीं रुक जाएगा, तो इस तरह से पॉइंटर क्या करता है, वहाँ ड्यू टू इनर्शिया, कभी वो बड़ा और कभी वो बड़ा, दोनों आपस में बड़ा छोटा होते रहते हैं, तो इससे क्या है, वहाँ 6 बिंदु पे जाके पॉइंटर ऐसे ऐसे स्विंग करता रहता है, तो इस स्विंग से, इसी को कहते हैं ऑसिलेशन, दिस इज कॉल्ड ऑसिलेशन, या डैम्पिंग बोलते हैं इसको, डैम्पिंग, ये ऑसिलेशन देखिए हो रहा है, वैल्यू जो होना चाहिए ये वैल्यू है, मान लीजिए 6, तो यहाँ रुकने की जगह आगे निकल गया, फिर खींच के लाया पीछे, फिर आगे निकल गया, फिर पीछे, फिर आगे निकल गया, मैग्नीट्यूड कम हो रहा है उसका, लेकिन समय लगेगा, देखिए यहाँ तक समय लगा, इतना टाइम लगा उसको सेटल होने में पॉइंटर को, तो जितना टाइम पॉइंटर को सेटल होने में लगेगा, तो उतने टाइम हम क्या करेंगे, हम वेट करेंगे, इतना देर तक हमने क्या किया, इतना देर तक हमने वेट किया, तो इतना देर तक वेट किया, तो उससे क्या हुआ कि मेजरमेंट स्लो हो जाएगा, मेजरमेंट में डिले होगा, डिले, स्लो टाइम लैप्स, तो ये हम नहीं चाहते हैं कि ऐसा हो, तो ये ऑसिलेशन को ख़त्म करने के लिए, कि ऑसिलेट ना करे वहाँ पे जाके, इसके लिए टार्क लगाते हैं इसमें, उसको कहते हैं डैम्पिंग टार्क, तो डैम्पिंग टार्क क्या है, दिस इज अ टार्क विच रिड्यूसेस ऑसिलेशन, इन ऑर्डर टू रिमूव ऑसिलेशन, इन ऑर्डर टू रिड्यूस दिस डैम्पिंग, टू रिड्यूस ऑसिलेशन, देयर इज टार्क विच इज कॉल्ड डैम्पिंग टार्क, एक व्यवस्था करेंगे टार्क की जो डैम्पिंग टार्क कहलाएगा, तो डैम्पिंग टार्क कब लगता है, जब पॉइंटर मूव करता है, ध्यान रहे सिस्टम जब मूव करता है तभी लगता है, डैम्पिंग टार्क तब नहीं लगेगा जब ये रुका रहेगा, यहाँ रुक गया तो डैम्पिंग टार्क खत्म,
तो डैम्पिंग टार कब तक लगता है? जब तक ये गतिमान होता है। ऑसिलेशन, हमको ऑसिलेशन से प्रॉब्लम है, क्यों? बिकॉज ऑसिलेशन से टाइम लैप्स हो रहा है, देयर इज टाइम डिले। टाइम डिले से क्या हो रहा है, हमको रीडिंग लेने में समय लग रहा है, हम वेट कर रहे हैं कि यहाँ रुके, और उसमें जितना टाइम लैप्स हो रहा है वो अच्छी बात नहीं है। हम चाहते हैं मेजरमेंट फास्ट हो, इंस्ट्रूमेंट भले फास्ट ना जाए, थोड़ा सा ये पॉइंटर स्लो ही जाए, लेकिन वहाँ जा करके रुक जाए, ऐसे रुक जाए, ना कि यहाँ से तेज जाए और तेज जा करके वहाँ ऐसे ऐसे एक मिनट ऐसे ऐसे करे, वी डोंट वांट दिस। लेकिन डैम्पिंग टायर अगर ज़्यादा कर देंगे तो ये बहुत तगड़ा डैम्पिंग कर देंगे तो ये बहुत स्लो जाएगा, बहुत स्लो जाएगा, तो फिर वो जितना वेट हम वहाँ कर रहे थे ऑसिलेशन में वो वही हो जाएगा। इसको कहते हैं ओवर डैम्पिंग। तो हमको ओवर डैम्पिंग भी नहीं करनी है क्योंकि उसमें भी समय लगेगा। तो ये है डैम्पिंग, देखिए डैम्पिंग ये हो रही थी, ये है ऑसिलेशन। तो दोनों अच्छी बातें नहीं है, अगर ज़्यादा डैम्पिंग कर देंगे तो बहुत स्लो जाएगा। फिर क्या करते हैं, क्रिटिकल डैम्पिंग होती है, क्रिटिकली डैम्प्ड बोलते हैं। क्रिटिकल डैम्पिंग में ना तो स्लो होता है ना बहुत फास्ट होता है, ये जाता है पॉइंटर थोड़ा सा मीडियम स्पीड से और वहाँ रुक जाता है। ये सबसे बेस्ट डैम्पिंग होती है, क्रिटिकली डैम्प्ड बोलते हैं इसको। इसमें डैम्पिंग भी नहीं होती है और बहुत स्लो भी नहीं होता है, तो यही हम मैनेज करते हैं कि ये रहे। तो डैम्पिंग कैसे करते हैं, इसकी तीन विधियाँ हैं। पहली है एयर फ्रिक्शन डैम्पिंग, दूसरी है फ्लूड फ्रिक्शन डैम्पिंग, तीसरी है एडी करंट डैम्पिंग। एक एक के बारे में बात करेंगे। एयर फ्रिक्शन डैम्पिंग, एयर का फ्रिक्शन कराते हैं, एयर में फ्रिक्शन होता है उससे डैम्पिंग होता है, उसको कहते हैं एयर फ्रिक्शन डैम्पिंग। इसके लिए देखिए क्या है, ये आपको पता है स्पिंडल है। स्पिंडल क्या होता है, इसी के साथ में पॉइंटर जुड़ा होता है, ये आप जानते हैं इसके बारे में। दिस इज पॉइंटर, ये पॉइंटर है, ये पॉइंटर है। पॉइंटर देखिए कहाँ मूव करता है, स्पिंडल ये है, देखिए ये स्पिंडल है, दिस इज स्पिंडल, ये स्पिंडल है। तो यहाँ एयर फ्रिक्शन डैम्पिंग में एक एल्युमिनियम की रॉड इस पे लगा देते हैं स्पिंडल के साथ में। एल्युमिनियम का पिस्टन होता है, एल्युमिनियम पिस्टन, ये पिस्टन है, ये एल्युमिनियम का पिस्टन है जो लगा देते हैं हम स्पिंडल के साथ में। यहाँ स्पिंडल होगा, उसके साथ में लगा दिए हैं हमने पिस्टन। अब ये एयर चैम्बर होता है खोखला, यहाँ पे ये जो है बंद है, दिस इज क्लोज्ड, दिस इज क्लोज्ड, ये फिक्स रहता है, ये नॉट मूवेबल है, नॉट मूवेबल है, फिक्स है, हाँ हमने इसको फिक्स कर दिया है। अब क्या होगा कि ये जो स्पिंडल है उसके साथ में चूंकि हमने जकड़ दिया है पिस्टन को, तो ये पिस्टन क्या करेगा, इसी के अंदर आगे पीछे मूव करता है, आगे पीछे। तो यहाँ जो गैप होता है, ये जो ये भाग है, ये पिस्टन का ये सिरा है, यहाँ क्लियरेंस बहुत कम रहता है, गैप बहुत कम रहता है। तब जब ये इसके अंदर इसमें आगे पीछे मूव करता है तो इसमें होता है फ्रिक्शन, एयर में फ्रिक्शन होता है, इसीलिए इसका नाम है एयर फ्रिक्शन डैम्पिंग। तो इस चैम्बर में या सिलेंडर के अंदर, सिलेंडर है ये, एयर चैम्बर बोलते हैं, उसी के अंदर ये पिस्टन आगे पीछे मूव करता है। तो मूव करता है तो जो एयर है ना, यहाँ पे एयर, अगर ये इधर मूव करेगा तो एयर बाहर निकलेगी, तो यहाँ गैप थोड़ा सा रखते हैं, बहुत कम गैप रहता है, जिसके एयर निकलने में फ्रिक्शन होता है, आसानी से एयर ना निकल पाएगी। फिर ये जब अंदर जाता है तो यहाँ की एयर में कंप्रेशन होता है, एयर यहाँ दबती है, तो एयर जो है, तो इसका जो मूवमेंट है इसके अंदर बहुत फास्ट नहीं हो पाता है, स्लो होता है। क्यों स्लो होता है, क्योंकि इसमें फ्रिक्शन होता है एयर में। तो यही प्रिंसिपल यूज़ किया गया है एयर फ्रिक्शन डैम्पिंग में। तो ये क्या होता है, ये जो पॉइंटर जाएगा इधर, मान लीजिए अभी पॉइंटर जीरो पे है, तो पॉइंटर जाएगा एक पे, पॉइंटर जाएगा दो पे, तीन पे, चार पे, मान लीजिए इसको रुकना है, तो चार पे जब जाएगा तो ये जाएगा इधर, तो ये इस दिशा में घूमेगा स्पिंडल, इस दिशा में स्पिंडल घूमेगा इस दिशा में, तो ये जो पिस्टन है ये बाहर निकलेगा एयर चैम्बर में, बाहर निकलेगा, तो यहाँ से हवा जो है बाहर निकलेगी, एयर बाहर निकलेगी तो उसमें फ्रिक्शन होगा, तो तेज़ी से नहीं निकल पाएगी, तो स्लोली स्लोली जाएगा ये। क्यों? क्योंकि ये फ्रिक्शन हो रहा है तो पूरा सिस्टम स्लो मूव करेगा, स्लो मोशन होगा, क्योंकि यहाँ पर एयर में फ्रिक्शन होगा, एयर यहाँ पर दबेगी, फ्रिक्शन होगा,
और ये जो जाके वहां पे ऑसिलेट कर रहा था, आगे निकल जा रहा था, तो आगे निकलना मुश्किल होगा क्योंकि इनर्सिया के कारण जो ये आगे जा रहा था, अब इनर्सिया के कारण आगे जाना मुश्किल होगा। अब ये उतना दूर आगे जा पाएगा जितना डिफ्लेक्टिंग टार्क होगा। इनर्सिया के कारण आगे निकलना मुश्किल होगा क्योंकि यहाँ फ्रिक्शन हो रहा है, आगे निकलना मुश्किल है, इसलिए इसका मूवमेंट स्लो हो गया है। तो ये इसमें फ्रिक्शन होता है, इसकी वजह से आगे नहीं निकल पाता है। उसके बाद मान लीजिए थोड़ा आगे निकल गया, तो जब वापस आएगा इधर वापस, डैम्पिंग क्यों हो रही थी, आगे निकल गया फिर पीछे आया फिर आगे निकल गया इस तरह से, तो पीछे जब आएगा तो क्या होगा, ये पूरा सिस्टम मूव करेगा इधर को, पूरा सिस्टम रोटेट करेगा इधर को, स्पिंडल रोटेट करेगा इधर को, तो ये पिस्टन जाएगा अंदर, अंदर जाएगा तो उसमें फिर से फ्रिक्शन होगा। तो ये जो ऑसिलेशन हो रहा था, पॉइंटर वहाँ जा करके ऐसे ऐसे ऑसिलेट कर रहा है, वाइब्रेट कर रहा है, तो वो वाइब्रेशन नहीं हो पाएगा क्योंकि अब ये इसके साथ में जुड़ गया है एक पिस्टन, और वो पिस्टन एक एयर चैम्बर में मूव कर रहा है आगे पीछे, तो वहाँ एयर में फ्रिक्शन हो रहा है, और एयर में फ्रिक्शन के कारण क्या होगा, मूवमेंट ईजी नहीं हो, ईजी नहीं है, नो ईजी मूवमेंट, आसान मूवमेंट नहीं होगा क्योंकि फ्रिक्शन है, फ्रिक्शन के खिलाफ काम करना पड़ेगा। तो केवल उतना दूर तक पॉइंटर जाएगा जितना डिफ्लेक्टिंग टार्क है, वहीं जा करके जल्दी से रुक जाएगा, और जो ऑसिलेशन हो रहा था वाइब्रेशन वहां पे नहीं होगा। क्यों? क्योंकि ऑसिलेशन होने के लिए पिस्टन को अंदर आगे पीछे होना पड़ेगा, इसके अंदर आगे पीछे होगा पिस्टन तो क्या होगा, एयर में फ्रिक्शन होगा, एयर में फ्रिक्शन होगा तो उसका विरोध होगा, डैम्पिंग होगी और ये जल्दी से रुक जाएगा। इसको बोलते हैं एयर फ्रिक्शन डैम्पिंग। एयर फ्रिक्शन डैम्पिंग प्राप्त करने के और भी तरीके हैं, जैसे अभी हमने एक दिखाया, ये पिस्टन एयर चैम्बर में मूव करता है, देखिए थोड़ा सा क्लियरेंस है, थोड़ा सा जगह रहती है, यहाँ भी थोड़ी सी जगह रहती है, पिस्टन आगे पीछे मूव करता है तो यहाँ एयर में फ्रिक्शन होता है यहाँ पे, तो ये ऑसिलेट जो कर रहा था वहाँ पे ऑसिलेशन नहीं होता है, जल्दी से रुक जाता है। एयर फ्रिक्शन डैम्पिंग करने की और भी तरीके हैं, देखिए इस तरह से भी होता है, कभी कभी एक पत्ती लगा दी जाती है स्पिंडल के साथ में, और इसमें एक एयर चैम्बर में इसको रख देते हैं, तो उसमें आगे पीछे मूव करता है, तो इधर हवा जो है उसमें एयर में फ्रिक्शन होता है, जब इधर जाएगा तो इधर आएगा एयर में फ्रिक्शन होगा, जब इधर जाएगा तो इधर जाएगा एयर में फ्रिक्शन होगा, तो डैम्पिंग मिलती है। इस तरह से भी हो सकता है डैम्पिंग, इस तरह से भी एल्युमिनियम वेन लगा देते हैं, एल्युमिनियम की पत्ती, इस तरह से भी होता है कभी कभी, एयर चैम्बर होता है एक, कैसे उसी एयर चैम्बर में इस तरह की पत्ती स्पिंडल के साथ जोड़ देते हैं, जब ये पॉइंटर इधर जाएगा ये पत्ती जाएगी इधर, एयर में फ्रिक्शन होगा, जब ये पॉइंटर इधर जाएगा ये पत्ती जाएगी इधर, पूरा स्पिंडल इधर जाएगा तब एयर में फ्रिक्शन होगा, तो एयर में फ्रिक्शन की वजह से ये आगे पीछे मूव करने में दिक्कत होगी इसको, और ये पॉइंटर जो जा करके मान लीजिए वैल्यू 300 है, तो 300 के अराउंड जो जा करके ऐसे ऐसे ऑसिलेट कर रहा है उसका विरोध होगा और ये जल्दी से रुक जाएगा, जल्दी से रुक जाएगा। ये इस तरह से डैम्पिंग होती है, एयर फ्रिक्शन डैम्पिंग ये यूज करते हैं काफ़ी ज़्यादा। दूसरा होता है फ्लूड फ्रिक्शन डैम्पिंग। डैम्पिंग की एक विधि एयर फ्रिक्शन डैम्पिंग है, लेकिन ये डैम्पिंग कमज़ोर होती है थोड़ा सा, क्यों? क्योंकि एयर में फ्रिक्शन जो होता है कम होता है, हमने एयर यूज किया मीडियम, और एयर में फ्रिक्शन जो होता है, एयर में फ्रिक्शन होता है वीक, कमज़ोर, तो लोगों ने क्या किया, दिमाग लगाया कि और फ्रिक्शन बढ़ाया जाए, तो फ्रिक्शन बढ़ाने के लिए क्या किया, एक पॉट लिया, पॉट बर्तन, और बर्तन देखिए ऐसे रख दिया, ये स्पिंडल के बीच में ऐसे स्पिंडल के चारों तरफ बर्तन रख दिया, ऐसे बर्तन, और इस बर्तन में भर दिया, स्पिंडल है, दिस इज स्पिंडल, स्पिंडल को घेरते हुए चारों तरफ बर्तन एक रख दिया, और बर्तन में रख दिया फ्लूड, इसको बोलते हैं फ्लूड पॉट, फ्लूड। ये फ्लूड क्या है, ये तेल जैसा पदार्थ है जो गाढ़ा होता है, गाढ़ा गाढ़ा विस्कस, विस्कोसिटी ज़्यादा होती है इसकी, श्यानता, तो श्यानता ज़्यादा होगी, जैसे शहद होता है, हनी, तो उसमें कोई चीज़ मूव करे तो डिफ़िकल्ट होता है मूव करना। पानी भी यूज कर सकते हैं, बट पानी में कम होगी डैम्पिंग, बहुत विस्कोसिटी अच्छी नहीं होती है, तो गाढ़ा फ्लूड रख देंगे कोई, और उसमें स्पिंडल के, ये स्पिंडल जा रहा है, स्पिंडल के साथ में जोड़ देते हैं पत्ती, ये पत्तियां देखिए, चार पत्तियां जोड़े हैं, चार, इसको बोलते हैं एल्युमिनियम बेन, एल्युमिनियम बेन पत्ती होती है एल्युमिनियम की, जो स्पिंडल के साथ जोड़ देते हैं,
ये पत्ती है, और ये क्या है, ये डॉट डॉट, ये है डैम्पिंग आयल बोलते हैं इसको, डैम्पिंग फ्लूड, फ्लूड जिसकी बात हम कर रहे हैं, आयल भी हो सकता है या कोई और लिक्विड भी हो सकता है, इसको डैम्पिंग फ्लूड बोलते हैं या डैम्पिंग आयल बोलते हैं। अब इसमें देखिए एयर फ्रिक्शन तुलना, एयर फ्रिक्शन डैम्पिंग की तुलना में ज़्यादा स्ट्रांग डैम्पिंग मिलेगी। स्ट्रांग क्यों मिलेगी, क्योंकि यहाँ विस्कोसिटी ज़्यादा है, इसमें मूव करना डिफ़िकल्ट होगा। तो क्या प्रिंसिपल है, वही प्रिंसिपल है, देखिए पॉइंटर जब जीरो पे था या जब पॉइंटर रुका है तो कोई डैम्पिंग नहीं होती है, मैं पहले भी बता चुका हूँ। जब पॉइंटर रुका है व्हेन इट इज स्टैटिक कोई डैम्पिंग नहीं होती है, तो डैम्पिंग कब होती है, जब ये मूव करता है, गति करता है, व्हेन इट इज डायनेमिक। ये पॉइंटर है अभी जीरो पे है, डिफ्लेक्टिंग टार्क लगा, ये इधर भागा, उधर भागा, तो ये जो है इसी फ्लूड में ये पत्तियाँ इधर जाएंगी सभी, ये पत्तियाँ इधर जाएंगी सभी इस फ्लूड में, तो विस्कोसिटी है ज़्यादा है, इसमें गाढ़ा लिक्विड है तो मूव करना मुश्किल होगा। तो ये मान लीजिए जीरो, एक, दो, तीन, चार, मान लीजिए पाँच है, डिफ्लेक्टिंग टार्क कंट्रोलिंग टार्क पाँच पे बराबर हुई हैं, तो ये पाँच तक तो जाएगा ही जाएगा, भले ही ये विरोध करेगा लेकिन स्लोली जाएगा, थोड़ा सा स्लो जाएगा, स्लो जाएगा लेकिन जाएगा पाँच तक। लेकिन जो आगे निकल रहा था, आगे जाना मुश्किल होगा इनर्सिया के कारण, जो आगे निकल जा रहा था वो जाना मुश्किल होगा, क्योंकि यहाँ पे विरोध हो रहा है, फ्रिक्शन हो रहा है, देर इज फ्रिक्शन, घर्षण। और अगर थोड़ा सा आगे निकल भी गया तो जो वापस आ रहा था, वापस वापस होने में क्या समस्या है, वापस होने में देखिए ये है, जब वापस होगा तो ये पॉइंटर वहाँ से इधर की दिशा में, तो ये भागेंगे सब इधर की दिशा में वेन जो है पत्तियाँ, तो फिर फ्रिक्शन होगा, फ्रिक्शन घर्षण। तो ये जब मूव करेंगे इसमें तो घर्षण होगा, मूव इधर करें या मूव इधर करें, देयर इज मोर फ्रिक्शन, यहाँ पे फ्रिक्शन तगड़ा है, आगे पीछे मूव करना मुश्किल है यहाँ पे। तो वहाँ जो पॉइंटर ऑसिलेट कर रहा था, ये पॉइंटर ऐसे ऐसे हो रहा था ड्यू टू इनर्शिया द मूविंग सिस्टम, दिस इज नॉट अलाउड हेयर बिकॉज देयर इज मोर फ्रिक्शन, यहाँ पे फ्रिक्शन ज़्यादा है एयर फ्रिक्शन डैम्पिंग की तुलना में, और इसलिए डैम्पिंग स्ट्रांग है, क्योंकि यहाँ पे जो लिक्विड यूज किया जाता है थोड़ा सा वो गाढ़ा होता है, श्यानता ज़्यादा होती है, इट्स विस्कोसिटी इज मोर, इसलिए डैम्पिंग ज़्यादा तगड़ी होती है, दिस इज स्ट्रॉन्गर डैम्पिंग। लेकिन इसकी थोड़ा सा दिक्कत यह होती है कि इसको पॉड को हमेशा वर्टिकल रखना पड़ता है, वर्टिकल, ऊर्ध्वाधर क्यों रखते हैं, क्योंकि बर्तन में लिक्विड है, तेल है, कोई गाढ़ा पदार्थ है, अगर इसको उल्टा सीधा कर देंगे तो ये लिक्विड लीक कर जाएगा, लीकेज हो जाएगा लिक्विड में, लीकेज, देयर इज लीकेज, लीकेज हो जाएगा तो डैम्पिंग नहीं होगी, फिर ख़राब हो जाएगा। इसीलिए इसमें थोड़ा सा ये समस्या रहती है कि वी हैव टू कीप द इंस्ट्रूमेंट, या तो पोर्टेबल होता है तो हमेशा वर्टिकल रखते हैं, जनरली पोर्टेबल नहीं रहता है, इसको पैनल में फिक्स कर देते हैं, जिससे कि ये लिक्विड बना रहे इसमें हमेशा, डैम्पिंग हो तभी होगी जब लिक्विड बना रहेगा, लीकेज हो जाएगा तो डैम्पिंग नहीं बनेगी, डैम्पिंग नहीं होगा तो लीकेज का खतरा रहता है, इसीलिए ये थोड़ा सा इसको प्रेफर बहुत नहीं करते हैं। लेकिन एयर फ्रिक्शन डैम्पिंग की तुलना में ये ज़्यादा स्ट्रांग होती है, यहाँ पे ऑसिलेशन कम होगा थोड़ा सा, क्योंकि यहाँ पे फ्रिक्शन ज़्यादा होता है, ड्यू टू मोर फ्रिक्शन दिस डैम्पिंग इज स्ट्रांगर दैन एयर फ्रिक्शन डैम्पिंग। कभी कभी इस तरह की व्यवस्था करते हैं लिक्विड में, इस तरह से वेन ऐसे मूव कराते हैं, स्पिंडल है, पॉइंटर है, पॉइंटर मूव करेगा आगे पीछे, ये आगे पीछे मूव करेगा, इसी में ये पत्तियाँ मूव करेंगी लिक्विड में, इस तरह से भी व्यवस्था होती है कभी कभी। ये फिक्स होता है, पॉट फिक्स होता है, बर्तन फिक्स होता है जिसमें मूव कर रहा है, ये मूव करते हैं, ये मूव करते हैं, ये पत्ती रहती है मूव करता है आगे पीछे, इसी में पॉइंटर जुड़ा रहता है, जीरो, वन, टू, थ्री, इस तरह से दिस मूव्स, ऐसे ऐसे मूव करता है आगे पीछे। तो इस तरह से भी व्यवस्था रहती है। ये फ्लूड फ्रिक्शन डैम्पिंग की हम बात कर रहे थे, ये दोनों हो गया। तीसरा ईडी करंट डैम्पिंग देखिए, सबसे स्ट्रांग, इसके बारे में जान लीजिए, दिस इज द स्ट्रांगेस्ट, सबसे तगड़ी ये होती है, बहुत ज़्यादा यूज करते हैं हम लोग, बहुत स्ट्रांग होती है ये डैम्पिंग। क्या करते हैं इसमें देखिए, बहुत आसान है, स्पिंडल के साथ में एक सीडी जैसा, सीडी आपने देखा होगा, ये सीडी जैसा होता है, एक डिस्क होता है, या तो एल्युमिनियम का होता है या कापर का होता है, कंडक्टिंग होना चाहिए, आइदर इट शुड बी एल्युमिनियम आर इट शुड बी कापर, लोहे का या स्टील का नहीं होता है ये डिस्क। स्पिंडल के एकदम सेंटर में फिक्स कर देते हैं, देखिए सेंटर में एकदम ये स्पिंडल है, तो पॉइंटर ये है,
स्पिंडल है, सब आप जानते हैं इनके बारे में। स्प्रिंग क्यों लगा है? कंट्रोलिंग टार के लिए। यहाँ पे डैम्पिंग टार के लिए एक डिस्क यूज करते हैं, डिस्क एल्युमिनियम या कॉपर की, और बगल में मैग्नेट लगा देते हैं, परमानेंट मैग्नेट, चुंबक, और ये मैग्नेट जो होता है ये फिक्स कर देते हैं। फिक्स मैग्नेट गति नहीं करेगा, मूव नहीं करेगा, लेकिन मैग्नेट का जो पोल है, पोल नॉर्थ साउथ, इनके बीच में जो गैप है, उसी गैप से ये डिस्क गुजर रही है। देखिए डिस्क गुजर रही है उसी से, तो ये डिस्क है मान लीजिए, तो यहीं पे लगा देते हैं मैग्नेट साइड में ऐसे। इसी मैग्नेट के फील्ड में नॉर्थ ऊपर है, साउथ नीचे है मान लीजिए। ये मैग्नेट हमने बताया फिक्स है, ये स्प्रिंग को भूल जाइए, स्प्रिंग ऊपर है सपोज, एक नीचे है स्प्रिंग, ये एल्युमिनियम डिस्क है। ये एल्युमिनियम डिस्क इसी फील्ड में आगे पीछे मूव करती है। पोल है तो इसका नॉर्थ साउथ लाइनें ऐसे आएंगी नीचे की तरफ, नॉर्थ से साउथ में लाइनें जाएंगी नीचे की तरफ, ऐसे फील्ड होगा नॉर्थ टू साउथ ऐसे। अब जब तक डिस्क स्थिर है तब तक कोई प्रॉब्लम नहीं है, कोई डैम्पिंग नहीं है, नो डैम्पिंग व्हेन डिस्क इज स्टैटिक, नो डैम्पिंग व्हेन नो मोशन, गति नहीं है तो कोई डैम्पिंग नहीं होगी, कुछ नहीं लगेगा, कोई टार्क नहीं लगेगा, कोई कुछ नहीं होगा। लेकिन जैसे ही डिस्क गति करती है तो क्या होता है? डिस्क गति कब केवल करती है? हमने बताया पॉइंटर यहाँ जा करके स्विंग कर रहा है, ऑसिलेट कर रहा है, वही खत्म करना है हमको। क्यों ऑसिलेट कर रहा है बता चुके हैं, ड्यू टू इनर्सी ऑफ द मूविंग सिस्टम दिस पॉइंटर ऑसिलेट्स हियर, यहाँ गया ऑसिलेट कर रहा है, ऑसिलेट करेगा तो डिस्क आगे पीछे मूव करेगी, क्योंकि पूरा सिस्टम आगे पीछे मूव करेगा, ये स्पिंडल भी डिस्क भी ऑसिलेट करेगा। मान लीजिए ये वैल्यू पे, दिस इज जीरो, दिस इज वन, दिस इज टू, मान लीजिए तीन वैल्यू है, तीन पे जाके ऑसिलेट करेगा, क्योंकि यहाँ पे दोनों टार्क बराबर हो गए हैं, वहीं ऑसिलेट करेगा जाके। ऑसिलेट करेगा तो आगे पीछे, जब ये मूव करेगा तो आगे पीछे मूव करेगा, तो पूरा सिस्टम आगे पीछे मूव करेगा, स्पिंडल भी डिस्क भी। और डिस्क जब आगे पीछे मूव करेगा तो क्या होगा कि मैग्नेटिक फ्लक्स जो है वो कट करेगा, डिस्क कट करेगा, कट करेगा मतलब परिवर्तन होगा फ्लक्स में, देयर इज चेंज इन द फ्लक्स, परमानेंट मैग्नेट का जो फ्लक्स है उसके फ्लक्स को डिस्क कट करेगा, चेंज इन द फ्लक्स, फ्लक्स में परिवर्तन होगा। तो फैराडे के इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन के नियम से, अकॉर्डिंग टू फैराडेज लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, डिस्क में ईएमएफ इंड्यूस हो जाएगा, डिस्क में, एल्युमिनियम का डिस्क है उसमें ईएमएफ इंड्यूस हो जाएगा, क्योंकि फ्लक्स परिवर्तित हो रहा है, क्योंकि डिस्क घूम रही है, आगे पीछे मूव कर रही है, तो डिस्क के मूव होने से उसमें ईएमएफ पैदा हो जाएगा, ईएमएफ पैदा हो जाएगा तो उसमें करंट पैदा हो जाएगी, करंट आई, क्योंकि एल्युमिनियम का है, कॉपर का है, कंडक्टिंग है, इसलिए करंट पैदा हो जाएगा, करंट पैदा हो जाएगी तो मैग्नेटिक फील्ड में करंट कैरिंग कंडक्टर रखा जाता है तो उस पर बल लगता है, तो लेंज के नियम से ये जो बल लगेगा या टार्क लगेगा वो उस कारण का विरोध करेगा जिसके कारण वह उत्पन्न हुआ है। क्यों? अकॉर्डिंग टू लेंज लॉ, ये ईएमएफ विरोध करेगा उस कारण का जिसके कारण ये उत्पन्न हुआ है। किसके कारण उत्पन्न हुआ है? फ्लक्स में परिवर्तन के कारण। फ्लक्स में परिवर्तन क्यों हुआ? क्योंकि फ्लक्स कट कर रहा है डिस्क, तो डिस्क फ्लक्स को क्यों कट कर रहा है? क्योंकि डिस्क गति कर रहा है आगे पीछे, तो डिस्क में जो टार्क लगेगा इसके गति का विरोध करेगा, मतलब ये अगर इस दिशा में जा रहा है डिस्क, अगर इस दिशा में, तो टार्क जो पैदा होगा इसके ईएमएफ के कारण, डिस्क में जो ईएमएफ पैदा हो रहा है उसके कारण जो टार्क लगेगा उसके उल्टा लगेगा, ये डैम्पिंग टार्क होगा, इसी को डैम्पिंग टार्क कहेंगे, ये डैम्पिंग टार्क होगा और बहुत तगड़ा टार्क लगेगा, क्योंकि ये बहुत तगड़ी डैम्पिंग होती है, बहुत तगड़ा टार्क डेवलप होता है, मैग्नेटिक फील्ड बहुत स्ट्रांग है, ईएमएफ जो पैदा होगा वो उससे डैम्पिंग मिलेगी बहुत स्ट्रांग। तो इसलिए जो ऑसिलेट कर रहा था पॉइंटर जा करके वहाँ पे आगे पीछे, तो डिस्क भी आगे पीछे मूव करेगी, तो ईएमएफ पैदा होगा, वो ईएमएफ विरोध करेगा उस कारण का जिससे उत्पन्न हुआ है, यानी फ्लक्स के कट करने का या फ्लक्स में परिवर्तन होने का विरोध होगा, और बहुत जल्दी ये डिस्क रुक जाएगी, ये रोक देगा ईएमएफ उसको, तो ये पॉइंटर तुरंत रुक जाएगा जल्दी से जा करके यहाँ से, यहाँ जो जाके ऑसिलेट कर रहा था ऑसिलेट नहीं कर पाएगा, क्योंकि ऑसिलेट करने से ईएमएफ पैदा होता है और ईएमएफ लेंज के नियम से विरोध करता है उसका, तो इसमें टार्क पैदा करता है और विरोध करता है, विपरीत दिशा में टार्क पैदा करता है।
यदि जिस दिशा में जाना चाहेगा उसके विपरीत टॉर्क पैदा करेगा। तो ये जाने जाने से रोकेगा नहीं, लेकिन स्लो कर देगा जाने को, बहुत फास्ट नहीं जाने देगा, क्योंकि ये ईएमएफ विरोध करेगा। तो इसलिए पॉइंटर जाएगा स्लोली स्लोली, ऐसे जाएगा और यहीं जाके रुक जाएगा, ऑसिलेट नहीं कर पाएगा, क्योंकि ऑसिलेट करने से ईएमएफ पैदा होता है इसमें, क्यों ईएमएफ पैदा होता है, फ्लक्स में परिवर्तन होने से, और वो ईएमएफ लेंज के नियम से विरोध करता है उस कारण का, इसलिए इसमें टार्क पैदा करता है अपोजिट डायरेक्शन में मूवमेंट के उल्टा, और इसको रोक देता है। ये बहुत तगड़ी स्ट्रांग डैम्पिंग होती है, सभी से डैम्पिंग में दिस इज द स्ट्रांगेस्ट, क्योंकि फील्ड भी स्ट्रांग है, कंडक्टर है उसमें, स्ट्रांगेस्ट डैम्पिंग, दिस इज द स्ट्रांगेस्ट डैम्पिंग, सभी में से सब में से स्ट्रांगेस्ट, सबसे तगड़ी डैम्पिंग होती है एडी करंट डैम्पिंग, बहुत यूज करते हैं हम लोग इसको। तो ये यूज करते हैं हम लोग मीटर्स वोल्ट मीटर्स में या अन्य उपकरणों में यूज कर सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, थैंक यू सो मच। ये तीन टार्क लगाने के बाद में इंस्ट्रूमेंट तैयार हो जाता है। बिना डैम्पिंग टार्क के अगर इंस्ट्रूमेंट बनाएंगे तो क्या होगा, ये बीमारी रहेगी इंस्ट्रूमेंट में कि वो जाएगा ऐसे ऐसे करता रहेगा। ये टार्क आवश्यक नहीं है, ये टार्क लेकिन ना देने से क्या होगा, ये टार्क ना देने से ये होगा कि पॉइंटर ऐसे ऐसे ऑसिलेट करेगा और आपको काफ़ी समय वेट करना पड़ेगा, तो इसीलिए ये टार्क लगाया जाता है। अदरवाइज ये इंस्ट्रूमेंट के वर्किंग में कोई रोल इसका रोल नहीं है, इसका रोल केवल तब है जब ये पॉइंटर ऑसिलेट करता है। इसीलिए कभी कभी डैम्पिंग फेल हो जाती है अगर इंस्ट्रूमेंट की, तो ये ऑसिलेशन बढ़ जाता है और आप देखे होंगे इंस्ट्रूमेंट में वो ऐसे ऐसे करता रहता है जाके वहाँ पर, तो डैम्पिंग कमज़ोर होने से ऐसा होता है। सो दिस इज डैम्पिंग एंड इट इज़ ऑल्सो इम्पॉर्टेंट। थैंक यू सो मच।